हेलो एवरीवन गाइज माई नेम कांक्रिया एंड चैनल एम बी ए वाला बाई पीडब्ल्यू so, दोस्तों वैसे प्राइमरीली तो मैं आपको कौन पढ़ाता हूँ लेकिन आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एल आर डी आई की कुछ बातें वैसे आप सबको पता होगा कि कैट टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की रिस्पॉन्स आ चुकी है स्पलॉट वाइज और आप इगरली वेट कर रहे हो कि यार हमें अब तीनों स्लॉट का एक बढ़िया सा सॉल्यूशन मिल जाए सो दैट हमें समझे कि हम कहाँ गलत हुए करेक्ट कितने थे रॉन्ग गए तो कितने रॉन्ग गए रिपीटर्स होंगे वो भी सोच रहे होंगे कि यार वो गलती नेक्स्ट टाइम ना करूँ जो फ्रेशर्स होंगे वो भी सोच रहे होंगे कि भाई ट्वेंटी में क्या हुआ देख लेते एक बार

तो गाइज आ जाओ हम शुरू करते एक एक के केस करेंगे सारे क्वेश्चंस कैसे कहा कब कैसे करने थे उसमें क्या ट्रिक था क्या सोच कम पड़ गई सब हम देखेंगे गाइज ठीक है तो चलो तो शुरुआत करते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन क्या खेल और एल आर डी आई स्लॉट वन सो गाइज शुरुआत करें ये रही आपकी पहली केस अब देखो उसमें चार केस आई थी इस बार आपको पता है एलआरडीआई में एक नया पैटर्न था जिसमें चार केस आई थी और फाइव क्वेश्चन ईच जो कैट टू से अलग था तो इस एनालिसिस के बारे में हम काफ़ी बात कर चुके हैं पहले भी अब ये पाँचों में से मतलब ये जो पाँच क्वेश्चन थे हर केस में और टोटल फोर केसेस इन चार केस में से कौन सी डुएबल थी सर हमने कौन सी पहले अटेम्प्ट करना चाहिए था कौन सी वो केस है हमने ज़बरदस्ती उसमें टाइम वेस्ट कर दिया काश हम वो ना करते और ये करते तो कितना मज़ा आता कितना सही होता तो गाइस वो हम आज देखने वाले हैं तो जो मैं अब आपके सामने ला रहा हूँ मैं उसी सिक्वेंस से ला रहा हूँ जो डुएबल है ठीक है अब हर एक का थोड़ा बहुत थॉट थोड़ प्रोसेस अलग होता है तो मुझे लगता है अब थोड़ा सा ये वाली जो पहली केस आपके सामने उसमें नंबर का खेल है और थोड़ा नंबर जैसे कि कौन टीचर हुआ यार तो नंबर से मजा आता है तो डेफिनेटली ये केस ड्यूएबल थी और कोई बड़ा बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं था हलवा सा कैलकुलेशन था लेकिन अगर उसको आप सही ढंग से करते तो गाइज मैं मानता हूं यह है वो पहली केस जो डुएबल थी ठीक है दो केस स्लॉट वन की बहुत ही ज्यादा डुएबल थी एक केस मॉडरेट थी जो नेटवर्क वाली और एक केस थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग थी हालांकि अगर उस पर सही थॉट दो तो वो भी अच्छी थी बट टाइम कंज्यूमिंग थी सब तो करना नहीं था तो गाइज शुरुआत करते हैं अपने पहले केस से तो जिन जिन लोगों ने इस केस को किया है चेक कर लो कि करेक्ट किया है कि नहीं करेक्ट किया है कि नहीं वो तो आपने चेक कर ही लिया होगा लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यार यहाँ गलत कैसे हुआ मैं तो डैम शोरू मेरा यह करेक्ट था तो देख लो यार कहा आपने गलती की है और मैं बार बार, बार बोल रहा हूँ कि जो कैट 2023 थाउजेंड है वो भी देख सकते हैं समझ सकते हैं कि क्या लेवल ऑफ डिफिकल्टी होती है क्या नया खेल हुआ इस बार एल में है ना लेकिन दोस्तों सिंपल सी बात है आपको अगर कुछ बेसिक सी चीजें नहीं समझी तो ज्यादा पैनिक नहीं होना अरे बाप रे सर ये तो ऊपर से गया क्योंकि डेफिनेटली ये मैं कैट एक्चुअल कैट की एनालिसिस करवा रहा हूँ उसके सॉल्यूशन डिस्कस कर रहा हूँ तो डेफिनेटली ये लेवल ऑफ डिफिकल्टी हाई होगी और जो कैट 2023 उनको तो हम फाउंडेशन से आगे लेके जाएंगे यार आपको पता ही होगा फाउंडेशन बैच हमारा बिल्कुल स्टार्ट हो रहा है 12th से तो उसका तो उसका आपने देख ही लिया होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है समझ लो हमारे ऐप पे जाओ और देख लो सारी डिटेल तो डोंट वरी आपको हम स्क्रैच से पूरा फाउंडेशन से आगे बढ़ाएंगे लेकिन समझ लो जितनी हो सके मैं आपको भी समझाने की पूरी कोशिश करूंगा चलो गाइज फर्स्ट केस स्टार्ट करते हैं अधारा बीथी छाया ध्वन इस्टर एंड फातिमा आर द इंटरव्यूअर्स इन द प्रोसेस दैट अवार्ड फंडिंग फॉर द न्यू इनिशिएटिव तो गाइज ये छह इंटरव्यूअर्स है जो लोग आते हैं अपनी नई नई आइडियाज लेकर उनका इंटरव्यूज लेते हैं और अगर उनको किसी की आइडिया अच्छी लगी तो उनको वो फंडिंग देते हैं ठीक है थीके? तो ये छह इंटरव्यूअर्स है जो इंटरव्यूज लेने वाले हैं नाउ Every interviewer individually individually interviews each of the candidate individually and award a token only if she recommends funding. पता है हर एक को एक टोकन दिया गया इंटरव्यूज का पैनल लाइन से बैठा दिया है कोई भी कैंडिडेट आएगा छ के छ इंटरव्यूज उसके होंगे मान लो एक एक्सपर्सन आ रहा है तो ये छे की छ इंटरव्यूज ये छे जो इंटरव्यूअर्स है वो उसके लेंगे और इन छे में से हो सकता है ना किसी किसी को कोई सही लगता है जैसे आप रियलिटी शो देखते हो कोई कैंडिडेट या कोई कंटेस्टेंट सिंगिंग में किसी जज को बहुत अच्छा लगता है तो किसी को थोड़ी सी खामियां लगती है उसी तरह छह इंटरव्यूज में से कोई को वो कैंडिडेट बहुत पसंद आएगा जो कोई नई आइडिया लाई है तो कोई को नहीं पसंद आएगा जैसे कि आप शार्क टाइग इंडिया देखते होंगे है ना तो उसमें किसी को आइडिया पसंद आती है वो उसमें इन्वेस्ट करता है जो नहीं वो नहीं करता है तो सिंपल इसी तरह गाई इनको भी हमने क्या दिया है टोकन दे रखा है सबको अगर किसी को वो कैंडिडेट जो इंटरव्यू देने आया है नई आइडिया के साथ उसका इंटरव्यू पसंद आया तो उसको वो टोकन देंगे जिसको नहीं वो उसको आगे भेज देंगे तो कम ऑन गाइज ईच वही पढ़ा हमने अभी कि ईच ऑफ द कैंडिडेट इंडिविजुअली जब इंटरव्यू देगा तो एवरी इंटरव्यूअर उसको क्या देगा अ टोकन अगर उसको उसकी आइडिया पसंद आए तो नाउ अ टोकन फेस वैल्यू ऑफ टू थ्री फाइव सेवन इलेवन थर्टीन टोटल कितने इंटरव्यूअर्स थे अगर आपने ऊपर ठीक से पढ़ा होगा तो छह नाम है सिक्स और टोकन भी कितनी फेस वैल्यूज के हैं डिफरेंट डिफरेंट फेस वैल्यूज़ के हैं एक टोकन की फेस वैल्यू दो है तो फिर थ्री फाइव सेवन इलेवन थर्टीन ईच इंटरव्यूअर अवार्ड्स अ टोकन ऑफ अ सिंगल फेस वैल्यू ऑन और हर इंटरव्यूअर को एक टोकन दिया गया है फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर छाया को टोकन नंबर इलेवन दिया गया है तो उसके पास फिर इलेवन का ही रहेगा थर्टीन का किसी और के पास रहेगा फाइव का किसी और के पास रहेगा ठीक है ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं अभी किसके पास कौन सा हमें नहीं पता चलो तो गाइज Once all six interviews are over for a candidate, जैसे मैंने कहा कि कैंडिडेट के जब छः की छः लाइन से इंटरव्यू खत्म होंगे द कैंडिडेट रिसीव अ फंडिंग अमाउंट दैट इज रुपीज थाउजेंड टाइम्स ये बात को समझना यहाँ पे आया एक हल्का सा कैलकुलेशन फंडिंग कैसे दे रहे हैं बंदा आएगा छह इंटरव्यू से गुजरेगा पास होगा और जहां पर भी उसको कुछ भी फेस वैल्यू मिली किसी को पसंद आया तो उसको टोकन देगा जिसको नहीं पसंद आया आगे भेजेगा तो जितनी भी टोकन उसके पास जमा हुआ है गाइस उन सारे टोकन के फेस वैल्यू के प्रोडक्ट का थाउजेंड टाइम्स उसको फंडिंग मिलेगी देख लो क्वेश्चन ने एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन किया है तो कोई दिक्कत नहीं है आ जाओ सो so,

दे गेट अ फंडिंग ऑफ थाउजेंड रूपी इन तीनों का प्रोडक्ट जितने भी उसके पास आए हैं बेस वैल्यू के उनका प्रोडक्ट होगा और उसका थाउजेंड टाइम्स मतलब इस बंदे को कितना मिलेगा सेवेंटी थाउजेंड आई होप आपको समझ गया होगा अब आगे बढ़ते हैं अब तक तो उन लोगों का नाम था जो इंटरव्यूज ले रहे थे अब नीचे दिया है वो लोग जो इंटरव्यू दे रहे हैं देख लो प्रग्या, रशीदा, क्या मिला है यही नहीं बोला है क्वेश्चन ने डिसेंडिंग ऑर्डर में फंड दे दिया है तो आपको तो यह भी ढूंढना है कि किसको क्या मिला है साथ में किसके पास कौन से फेस वैल्यू का टोकन है इंटरव्यूअर्स के पास वो भी देखना है तो फंडिंग देखो ये अमाउंट की उज वन लाख सिक्सटी सेवन थाउज सिक्स उसमें से थाउजंड चीज तो कॉमन रहेगी सब में क्योंकि हम ये फंडिंग का अमाउंट निकाल ही कैसे रहे हैं का product. है ना? तो guys, 1000 अगर मैं हटा भी दू तो भी मुझे अब गाइज थ्री नाइनटी अगर आप एक चीज देखो ना द ब्यूटी ऑफ दिस केस जो भी फेस वैल्यूज आपको दिए वो सारे प्राइम नंबर है टू थ्री फाइव सेवन थर्टीन सब क्या है प्राइम नंबर जो खुद से और वन से डिवाइड होते हैं तो डेफिनेटली ये जो अमाउंट बना है फंडिंग इन शॉर्ट गाइज अगर मैं थाउजेंड को हटा दू तो थ्री को फैक्टराइज करो हमें तो समझ जाएगा उसको कौन कौन से टोकन मिले टू हंड्रेड एंड टेन को फैक्टराइज करो अगर थाउजेंड एंड हटा दू 1000 1000 हटा दो तो 77 को 66 को फैक्टराइज करो अब फैक्टराइज कैसे करते हैं आपको पता है मालूम है ना फैक्टराइज कैसे किया जाता है देख लो तो अगर मुझे 390 अब आपको पता है उसमें से 1 लाख तो हम क्या कंसीडर ही नहीं कर रहे सॉरी 1000 सो 3 लाख 90000 में अगर 390 का फैक्टराइज करना है गाइस ये प्रोसेस है है ना तो अगर मैं 2 इज द फर्स्ट

तो टू इंटू थ्री सिक्स इंटू सेवन चाहे तो इस प्रोसेस से भी कर सकते थे क्या क्या है 1, 65, right? yes. Next amount है 1, 65, तो इसका फैक्टराइजेशन उसमें से थाउजेंड तो छोड़ी दो वन लाख सिक्स थाउजेंड का हो जाएगा थ्री इंटू फाइव फिफ्टीन इंटू इलेवन फिफ्टीन इंटू इलेवन क्या होगा

फंडिंग हुआ है उसको डेफिनेटली छह इंटरव्यूअर्स में से किन किन इंटरव्यूअर्स ने उसको फंडिंग दिया है वो जिनके पास टोकन ऑफ फेस वैल्यू टू थ्री फाइव थर्टीन है, 7 वाले ने उसको नहीं दिया है उसके बारे में जजमेंट ले सकते हो सेम सेम रिमेनिंग थ्री कैंडिडेट्स के लिए तो आगे बढ़ते हैं यहां तक हमारा केस हो चुका है आगे बढ़ते गाइज नाउ फॉलोइंग एडिशनल फैक्ट आर नोन तो गाइज अब मैं एक काम करता हूँ एक टेबल बनाते हैं इंटरव्यूअर्स लिख लेता ए बी सी डी चेक कर लो एक बार तो इंटरव्यूअर्स कौन है ए बी सी डी एफ है ना नाम ना लिखते हुए ए बी आप कैसे भी लिख सकते हो एक टेबल बना के खेलते हो तो थोड़ी सी चीजें बहुत ईजिली दिख जाती है आंखों के सामने याद रखने की कोशिश मत करो हर चीज आंखों के सामने रखो तो सिंपल सी बात है ई एफ e, हमने लिख दिया है अब आप उल्टा भी कर सकते थे लाइक ये जो हमने रो वाइज लिखा है इसको आप कॉलम वाइज भी लिख सकते थे है? वो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है नाउ तो ये छह लोग आपने लिख दिया वेर और फाइव कैंडिडेट को ने पी क्यू आर एस टी है ना प्रज्ञा कहिरा रशीदा समेरा सो वो भी लिख दो गाइज इनको मैं अभी यहाँ लिखता हूँ अब जिसको जिसने फंडिंग दी है मैं उसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करूंगा और जिसको जिसने फंडिंग नहीं दी है उसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे चलो गाइस आ जाओ फटाफट फर्स्ट लाइन फातिमा to फातिमा अवार्डेड टोकन टू एक्सेप्ट काहिरा ने हर एक को दिया काहिरा छोड़कर तो फातिमा कहा यहां पर हर एक को दिया काहिरा को नहीं दिया इसलिए क्रॉस अब गाइज आप ही मुझे बता दो ऐसी कौन सी फेस वैल्यू है जो चार लोगों के पास जा रही है सिवाय एक को छोड़कर ऐसी कौन सी अगर मैं बात करू फेस वैल्यू टू फेस वैल्यू टू मतलब टू का टोकन सबके पास है तीन के पास है देखो एक दो तीन नहीं चलेगा हमें क्या चाहिए वो टोकन फातिमा के पास कौन सा टोकन था गाइज इस राज का पर्दाफाश होने वाला है क्योंकि हमें पता है फातिमा के पास जो भी टोकन था वो चार लोगों के पास है एक्सेप्ट का ही रा? तो गाइज ऐसा कौन सा फेस वैल्यू जो चार लोगों के पास है अगर ठीक से देखो तो थ्री 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 इन चारों के पास फेस वैल्यू थ्री का है ना बाकी सेवन है ना इलेवन है ना थर्टीन टू तो पक्का कौन सा टोकन था वो जिसकी फेस वैल्यू थ्री थी और काहिरा को वो टोकन नहीं मिला गाइस तो एक ही वो अमाउंट है जहां पे वो थ्री फेस वैल्यू नहीं आ रही है वो है सेवनटी तो डेफिनेटली काहिरा को कितना मिला होगा फंडिंग सेवनटी ठीक है ये सारी फिगर्स थाउजेंड में ये बात याद रहे तो सेवन चलो गाइस अब आगे देख लो सेवन अगर यहाँ पे आया है और ये फातिमा का हो गया फातिमा ने चार लोगों को दिया है यहां तक आ गया और ये इससे समझ गया कि एक ही वो टोकन था जो चार लोगों में बट रहा है वो है फेस वैल्यू थ्री का तो फातिमा के पास वो टोकन आ गया नाउ कम गाइड आगे बढ़ेंगे ठीक है नाउ वाइल अधीरा अवॉर्डेड टोकन टू नो वन एक्सेप्ट प्रज्ञा फातिमा ने सबको दिया को छोड़कर वो हो गया नेक्स्ट लाइन अधीरा ने जो है ना वो सिर्फ प्रज्ञा को दिया नो वन अवॉर्डेड टोकन टू नो वन एक्सेप्ट सिर्फ प्रज्ञा को दिया तो guys, अधिरा उसने उसने को को दिया, दिया। बाकी उसने और किसी को नहीं दिया। अब इन सारे face value में थर्टीन एक कौन सी ऐसी फेस वैल्यू जो सिर्फ किसी एक के पास ही है जैसे आपने देखी थ्री तो कईयों के पास है टू भी कईयों के पास है फाइव भी देखो इलेवन भी देखो तीन लोगों के पास है सिर्फ थर्टीन वो फेस वैल्यू गाइज ओनली थर्टीन

रिसीव नेक्स्ट लाइन गाइस तीन लाइन का केस है बस अब सबसे अगर आप से देखो तो यहाँ दो लोगों को मिले गाइज सबसे token, अगर आप ठीक से देखो तो यहां दो लोगों को मिले हैं एक तो वो जिसको थ्री लैख नाइनटी थाउजेंड का फंडिंग मिला है और एक वो जिसको टू लैख टेन थाउजेंड का है तो guys, डेफिनेटली ये तो हमें समझ ही गया कि थ्री लाख नाइन्टी थाउजेंड का जो मिला है वो तो प्रज्ञा है समझ लो ना हाईएस्ट नंबर ऑफ टोकन यानी काउंट करो देखो इसको चार टोकन मिले विद फेस वैल्यू दिस डिफरेंट डिफरेंट इसको चार टोकन मिले इसको तीन इसको दो इसको तीन तो हाईएस्ट नंबर ऑफ टोकन क्वेश्चन क्या बोल रहा है रशीदा को मिला है अब हाईएस्ट नंबर ऑफ टोकन वैसे तो दो लोगों को मिला है उसमें से प्रज्ञा तो हमने ढूंढ लिया है प्रज्ञा वही जिसको थ्री लाख नाइन्टी थाउजेंड मिला यानी पक्का रशीदा को क्या अमाउंट मिला होगा टू लैख टेन थाउजेंड रशीदा को क्या मिला होगा टू लैख टेन थाउजेंड से लिख लेता हूं इसको भी. क्योंकि क्वेश्चन देखो मैं वापस आपको पढ़ा रहा हूं यह लाइन क्या है रशीदा रिसीव नंबर ऑफ टोकन दैट एनी हाइएस्ट नंबर ऑफ टोकन किसी को कुछ मिला है तो वो है चार टोकन और चार टोकन दो लोगों को मिला है जो वो जिनको थ्री लैख थाउजेंड

नंबर ऑफ टोकन सबसे ज्यादा रशीदा को मिला ही हमने ढूंढ लिया लेकिन उसको स्तर से नहीं मिला है तो अगर अगर उसको स्तर स्तर से से नहीं मिला है, तो रशिदा को अगर इस से नहीं मिला मिला है है वो रशीदा को तो आप ही मुझे बता दो ऐसा कौन सा टोकन है जो रशीदा के पास नहीं है टू है थ्री है फाइव है सेवन है ठीक थी है थ्री है फातिमा का टू भी है फाइव भी है सेवन भी कौन नहीं है थर्टीन थर्टीन तो वैसे तो हमें पता ही है कि थर्टीन कौन है फर्स्ट ए को ठीक है थर्टीन तो हमने दे दिया है और बचा क्या इलेवन गाइज टू थ्री फाइव सेवन के अलावा बस दो ही टोकन बचे थर्टीन एंड इलेवन उसमें से थर्टीन तो ए का है तो इलेवन किसका हुआ इलेवन हुआ ई e का क्यों क्वेश्चन ने क्या बोला है रशीदा को सारे टोकन मिले हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ टोकन सारे मतलब हाईएस्ट मिले हैं उसमें से एक थर्टीन तो पक्का नहीं मिला है क्योंकि थर्टीन तो क्वेश्चन ने पहले ही बोला है कि उसने सिर्फ प्रज्ञा को दिया है और एक स्तर से नहीं मिला है तो स्तर से नहीं मिला है तो डेफिनेटली वो इलेवन वाला है क्योंकि 210 में डेफिनेटली 11 फैक्टर नहीं आता चलो गाइज इसका मतलब इसका भी टोकन हमें समझ गया स्तर के पास 11 फेस वैल्यू का टोकन है, to है समेरा को दिया बट काहिरा को नहीं, नहीं। गाइज देखो ये मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए इतना टाइम लग रहा है एग्जाम में अगर सॉल्व करना है तो इतना टाइम नहीं लगेगा ठीक है, so, ने किसको दिया समेरा को काहिरा को नहीं एंड लास्ट लाइन गाइज धनवी अवॉर्डेड टोकन टू काहिरा बट नॉट समेरा धनवी ने जो है ना उल्टा किया धनवी ने काहिरा को दिया बट समेरा को नहीं और गाइज आपको पता है ये सेवनटी सेवन है ये सेवनटी सेवन है जिसमें सेवनटी सेवन के फैक्टर कौन है सेवन इंटू इलेवन जिसमें से इलेवन हमें पता है कौन है 11 अगर अगर हमें हमें पता है 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 तो तो ये 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 जो डी है, ये क्या होगा 7. Question ने clear बोला है, ने बोला धनवी काहिरा काहिरा को दिया है, समेरा को दिया दिया नहीं काहिरा के पास दिया है। और एक already अगर ये 77 है, तो हमें उसके पास दो ही टोकन चाहिए एक टोकन तो स्तर का है क्योंकि स्तर का फेस वैल्यू इलेवन है तो सेवन कौन हुआ वो ही धनवी बाकी इसका मतलब स्कोर कहीं से नहीं मिला है टेबल कंप्लीट करने की कोशिश करो तो डेफिनेटली गाइज अगर इलेवन ये है तो इलेवन और कहा आएगा थ्री हंड्रेड एंड नाइनटी में इलेवन तो बिल्कुल नहीं आएगा बराबर लेकिन हाँ अब यहाँ पे दो अमाउंट बची बचिए बचिए थाउजेंड और एक बचिए वन लैख सिक्सटी फाइव थाउजेंड ये दो अमाउंट बची दोनों में इलेवन आता है मतलब यहाँ पे कौन सी अमाउंट है फिलहाल हमें नहीं पता समेरा के पास सिक्सटी सिक्स है या वन लैख सिक्सटी फाइव है ठीक है तंत्रा के पास क्या है हमें नहीं पता लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे ये दोनों में से कुछ भी आए इलेवन पक्का आएगा ठीक है तो गाइज अब देख लो अब आपके पास अब थ्री थ्री लैख नाइन्टी में सेवन भी फैक्टर है कहीं पर भी नहीं है तो ये भी क्रॉस कर दो क्योंकि धनवी का सेवन है अब बचा क्या गाइज ये दो अब इन दो में क्या करें यार इन दो में क्या करें एक तो फेस वैल्यू टू का हो सकता है या तो फाइव का हो सकता है हमें ये भी नहीं पता कि बीना के पास फेस वैल्यू टू है या छा, छाया के पास ठीक है तो हम एक काम करेंगे बीना को टू देंगे छाया को फाइव या फिर दो पॉसिबिलिटी बीना को फाइव छाया को दो टू पॉसिबिलिटीज लेकिन वो टू हो या फाइव हो वो टू हो चाहे फाइव हो वो डेफिनेटली थ्री लैख नाइन थाउजेंड में तो आया ही है मतलब सेवन से से ना इलेवन समझ लो बराबर थ्री लैख नाइनटी हो गया थर्टीन इंटू टू इंटू फाइव इंटू थ्री चलो गाइस नाउ अब बात करते हैं डी ठीक है डी यानी फेस वैल्यू सेवन तो सेवन यहां आएगा 7 यहां आएगा, जरूर आएगा टू हंड्रेड एंड टेन के फैक्टर में देखो टू थ्री फाइव सेवन है तो थ्री आया 7 आया और टू और, और फाइव तो तो में आना है कि नहीं बता दो yes, 2 भी आएगा, 5 भी आएगा. ये चाहे टू हो या फाइव हो यहाँ जरूर, जरूर आएगा क्योंकि टू हंड्रेड एंड टेन के फैक्टर है टू इंटू फाइव इंटू सेवन इंटू इलेवन सेवन और इलेवन तो हमें पक्का पता है किनके पास है फातिमा के पास सॉरी फातिमा के पास थ्री ठीक है सेवन एंड थ्री इलेवन तो आएगा नहीं टू हंड्रेड एंड टेन में सेवन एंड थ्री तो सेवन डेफिनेटली के पास और थ्री पक्का फातिमा के पास उसके अलावा कौन बचा टू एंड फाइव टू एंड फाइव एं पक्का यहाँ आएगा वो किसके भी पास हो बिना छाया मैटर अब गाइज बस एक चीज बची है जो नहीं अब यहाँ सेवन आएगा यहाँ सेवन, सेवन आएगा आप ही बता दो क्या यहाँ सेवन आएगा गाइज अगर ये वन लैख सिक्सटी फाइव थाउजेंड है तो उसमें सेवन है नो no. नो अगर ये ये है है तो यहाँ 7 है? No. ये दो ही हमें नहीं पता है ना तो सेवन यहां तो जरूर नहीं, नहीं आएगा क्योंकि हाँ। तो यहां पे आएगा अब ये अगर मैं ले लू सिक्स ठीक है क्या मैं ये सिक्सटी सिक्स ले सकता हूं मुझे आप बताओ क्या ये सिक्सटी सिक्स में ले सकता हूं अगर बीना ने समेरा तो को दिया है ये क्लियर क्वेश्चन ने बोला है ठीक है ये क्वेश्चन ने क्लियर बोला है बी थी सॉरी बीना नहीं बी थी अवॉर्डेड टोकन टू समेरा बट नॉट काहेरा तो अगर उसने दिया है गाइज इसको तो अगर मैं ये टू मान के चल रहा हूं तो डेफिनेटली ये क्या आना चाहिए टू किस में आता है सिक्सटी सिक्स में तो मैं फॉर टाइमबिंग इसको सिक्सटी सिक्स बोल दू अगर ये टू होगा तो ठीक है अगर ये फाइव होगा

बी थी और छाया डेफिनेटली इनका हमें टोकन वैल्यू नहीं पता साथ ही पे कौन आएगा समेरा को सिक्स थाउजेंड मिलेंगे being, मैंने अगर इसको टू मानना है, तो यहाँ वन लाख सिक्सटी फाइव आएगा और अगर यहाँ वन लाख सिक्सटी फाइव है तो टू तो पक्का नहीं होगा फिर यहाँ पे कौन आएगा फाइव तो गाइज आप एक काम कर सकते हो इतने पार्ट को सिर्फ अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए इतने पार्ट को आप सर्कल कर सकते हो क्योंकि ये पलट भी सकता है ये पलट भी सकता है ये ये पता है ये मैंने किसके जजमेंट से लिया यहां पे टू मानते हुए और यहां फाइव मानते हुए अगर मैं उल्टा कर दू यहां फाइव मान लू तो इधर क्रॉस हो जाएगा और यहां पे टिक हो जाएगी समझ रहे हो क्लियर है गाइज है ना तो सिंपल सी बात है अब गाइस आपको इतना मिला है। बेस्ट पार्ट मैंने जैसे कहा है उसने जितना डेटा हमें दिया है क्वेश्चन भी उसी के हिसाब से ही उसने डिजाइन किया है सो डोंट वरी आगे आप पढ़ो आओ और देखो क्वेश्चन आराम से सॉल्व होगा इतना पार्ट उसने हमें जान नहीं दिया है डोंट वरी चलो आगे बढ़ते हम क्वेश्चन पे आते हैं हाउ मेनी टोकन डिड कहिरा रिसीव कहिरा के पास कितने टोकन है सिंपल सी बात है कहिरा आपको पता है कि उसको 77 मिले हैं तो उसके पास दो ही टोकन होंगे गाइस तो टू इज द आंसर ये टीटा बेस्ट था तो इसका आंसर क्या आया नेक्स्ट हु अमंग द फॉलोइंग डेफिनेटली डेफिनेटली रिसीव टोकन फ्रॉम बीथी बट नॉट फ्रॉम धनवी इन चारों में से ऐसा कौन है जिसको बीथी से टोकन मिला है बट धनवी से नहीं प्रज्ञा चेक करो पहले बीथी से मिला है धनवी से नहीं क्या प्रज्ञा को बीथी से मिला है यस yes. धनवी से नहीं मिला नो तो यस प्रज्ञा इज द आंसर प्रज्ञा इज द आंसर गाइस बीथी से मिला है धनवी से नहीं ठीक है आगे उसने जो भी ऑप्शन दिए थे आगे उसने क्या क्या ऑप्शन दिए चेक कर लो काहिरा तंत्रा एंड रशीदा तो ताही काहिरा देखो यहां तो उसको उल्टा हुआ है बीथी से नहीं मिला धनवी से मिल गया हमें क्या बोला है बीथी से मिलना चाहिए धनवी से नहीं ठीक है रशिदा रशीदा को तो दोनों से मिला है तंत्रा तंत्रा को भी दोनों से नहीं मिला और ये सब तो ऑप्शन में था ही नहीं ठीक है तो गाइस सिंपल सी बात है यहां पे सिर्फ प्रज्ञा इज द आंसर बढ़ते आगे

एक को आएगा एक को नहीं तो डजंट मैटर अगर 2 भी रहा तो किसी एक को ही आएगा 5 भी रहा तो किसी एक को ही आएगा तो इन दोनों में से किसी एक को फिर है 2 एंड 3 तीन लोग ऐसे गाइस जिनको टोकन मिल रहे हैं किन से आया से तो 3 इज द आंसर ये भी थीटा बेस्ड था 3 इज द आंसर नाउ हाउ मेनी टोकंस डिड समीरा रिसीव्ड समीरा को कितने टोकन मिले आ जाओ बार-बार पीछे लेना पड़ रहा है यार हाँ समीरा को कितने मिले एक तो 2

यस डेफिनेटली आंसर क्या आएगा हमारा सी कितने टोकन मिल रहे समीरा को थ्री ही मिल रहे है सो थ्री इज द द आंसर आंसर गाइस सी इज ठीक है एंड दिच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी अमाउंट ऑफ फंडिंग दैट तंत्राज रिसीव तो यही तो बात है गाइस तंत्रा को कितना अमाउंट ऑफ फंडिंग मिला यही नहीं पता ना मैं लास्ट में जो समेरा और तंत्रा है इन्हीं का तो जुगाड़ हमें नहीं पता इन्हीं का तो खेल हमें नहीं पता तो मेरा को और तंत्रा को एक्सैक्टली वन लाख सिक्सटी फाइव किसको मिले 66, किसको मिले यही नहीं हमें पता है तो इसलिए कितना अमाउंट मिला है तंत्रा को एक ऑप्शन है 66, है दूसरा और फिर नीचे ऑप्शन दिए गए हैं इन दो अमाउंट में से कितना मिला है तो गाइज पक्का इन दोनों में से ही मिला है तो इसलिए इधर तो हो नहीं सकता ओनली बी या ओनली हम कन्फर्म नहीं बता सकते इसलिए इसका आंसर क्या दिया है बोथ ए एंड बी टेक्निकली स्पीकिंग इसका आंसर होना चाहिए था इधर ए और बी टेक्निकली जो शीट डिस्प्ले हुई है उसने बोथ एन भी इसी लॉजिक पे बोला है कि भाई इन दोनों में से एक है कोई तो ठीक है टेक्निकली उसका है और भी होना चाहिए था बट अभी फिलहाल जो दिया है उसने उनमें तो ये पक्का कैंसल है इन तीन पे तो हम पक्का नहीं दे सकते तो इन दोनों में से कोई भी एक तो उसी को उसने बोथ एन भी बोल दिया क्लियर है तो ये थी वो फर्स्ट केस जिसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल माइंड हाँ अब जिसका थोड़ा सा न्यूमेरिकल पे होल्ड नहीं है फैक्टराइज करना कैसे करना तुरंत क्लिक नहीं होगा तो फिर उनके लिए अगली केस जो सेकंड नंबर की केस है उसमें डेफिनेटली न्यूमेरिकल का इतना रोल नहीं है ठीक है लेकिन है वो भी डूएबल तो बड़े गाइस सेकंड केस पे रेडी हो तो यस गाइस चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट केस की ओर तो सिंपल सी केस है गाइस ध्यान देना एकदम आसान मस्त केस है द मैनेजमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी हॉकी टीम वॉज इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ फोर वीमेन प्लेयर अमला बिमला हरिता एंड सरिता तो चार लोगों का परफॉर्मेंस इवेल्युएट करना है

चारों प्लेयर ने इन आठ मैच में मिलाकर सिर्फ बारह गोल किए हैं नाउ इन द एट मैचेस इच ऑफ देम हैड स्कोर्ड एटलीस्ट वन गोल एंड नो टू प्लेयर हैड स्कोर्ड द सेम टोटल नंबर ऑफ गोल गाइज इतने पूरे पैराग्राफ से तीन बातें इंपॉर्टेंट पता चली कि टोटल चार प्लेयर है जिनका परफॉर्मेंस इवेल्युएट करने वाले हम पिछले आठ मैच को देखते हुए तो टोटल तो नंबर ऑफ गोल उन्होंने बारह स्कोर किए सब ने मिलाकर मैचेस में और कम से कम एक गोल तो हर एक ने किया है। मतलब ऐसा एक भी प्लेयर नहीं जिसके नंबर ऑफ गोल जीरो है आठ मैच को मिलाकर क्लियर बोला है क्वेश्चन ने कि इन एट मैचेस ईच ऑफ देम स्कोर लीस्ट वन गोल यानी कम से कम एक तो है ही किसी का एंड नो टू प्लेयर हैड द सेम नंबर ऑफ गोल किसी भी प्लेयर के सेम नंबर ऑफ गोल नहीं होने चाहिए

फाइव सिक्स सेवन एंड एट और साथ ही में टोटल टोटल तो हमें पता है ये तो सबसे पहली बात हमें पता है कि आठों मैच को चारों प्लेयर को मिला लो फिर भी टोटल कितना है गाइस ट्वेल्व और ये एक बेसिक टेबल आपका बन जाता है इस वाले क्वेश्चन में वन टू थ्री फोर फाइव मैच आठ तक आपको दिख दिया है ये बन गए हमारे अब कौन से प्लेयर ने कौन से मैच में कितने गोल किए नहीं किए ये सब हमें लिखना है और इस तरह से इस टेबल को हम कंप्लीट करेंगे जो इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट टेबल में लिख सकते हैं टेबल में लिखेंगे जो नहीं टेबल में लिख सकते साइड में लिखेंगे ठीक है तो यस गाइज ध्यान देना ओनली वन गोल वॉज कोड इन एवरी इवन नंबर ऑफ मैच तो गाइज इवन नंबर मैच में एक ही गोल हुआ है इवन नंबर मैच मतलब मैच टू मैच फोर किसने किया नहीं पता लेकिन टोटल गोल कितना हुआ है टोटल गोल एक एक हुआ है मैच सिक्स मैच मतलब अभी भी आठ गोल बची हुई है ट्वेल्व तो है टोटल गोल ट्वेल्व से ट्वेल्व uh, है टोटल गोल्स तो गाइस चार तो हमें मिल गए इवन नंबर में नाउ हरिता स्कोर्ड मोर देन बिमला तो एक बात याद रहे कि हरिता का नंबर ऑफ गोल बिमला से ज्यादा आना चाहिए ठीक है नेक्स्ट हाइएस्ट गोल स्कोर स्कोर गोल इन एक्जैक्टली थ्री मैचेस इंक्लूडिंग मैच फोर एंड मैच एट गाइज इन चारों में जो सबसे ज्यादा गोल कर रहा है उसने सिर्फ तीन ही मैचेस में गोल किया है इसका मतलब बची हुई पांच मैचेस में उसके के नंबर ऑफ गोल कितने जीरो 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 और इन तीन मैच में भी कम क्वेश्चन ने आपको क्लियर बोल दिया कि इसमें मैच फोर भी इंक्लूडेड है एंड मैच एट भी और अगर आप ठीक से देखो गाइज तो मैच फोर में एक गोल है

बिमला स्कोर्ड अ गोल इन मैच वन मैच वन में एक गोल किया है एंड और एक 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 किया इन अदर मैचेस तो तो मैच में बिमला का पक्का एक गोल आ जाएगा गाइस तो बिमला का पक्का एक गोल मैच वन में आएगा और उसके अलावा तीन कोई तो मैचेस है वो मैचेसूटिव मैचेस ये तीनों भी हो सकती है ये तीनों भी हो सकती है ये तीनों भी, भी हमें फिलहाल नहीं पता लेकिन टोटल नंबर ऑफ गोल बिमला का कितना है गाइस और क्योंकि एक मैच वन में है और तीन गोल एक 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 तीन मैचेस में यानी टोटल चार तो गाइस और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज आपके पास है कि हरिता के नंबर ऑफ गोल्स बिमला से ज्यादा है अगर बिमला के नंबर ऑफ गोल चार है तो हरिता के पक्का उससे ज्यादा लेना होगा अब हम ट्रायल एंड एरर करते हैं गाइज ट्रायल एंड एरर अगर मैं बिमला को चार गोल तो डेफिनेटली है तो हरिता के पांच हो सकते हैं या छ हो सकते हैं या सात हम देखते हैं Guys, अगर मैं पांच हरिता को दे दूं तो बचा कौन बिमला और हरिता हो गए ए और और एस बचे यानी अमला सरिता तो एक को दो मिलेंगे एक को एक मिलेगा करेक्ट क्योंकि तीन गोल बच गए ना टोटल नंबर हिसाब भाई साहब बारह का देना है मैं ट्वेल्व गोल्स का तो चार और पांच नौ हो गए बचे तीन गोल लेकिन तीन गोल डेढ़ डेढ़ तो नहीं बटेंगे ना नंबर ऑफ गोल क्या होंगे इंटीजर होंगे और दूसरी बात ये एक बात क्वेश्चन ने स्टार्टिंग के पैराग्राफ में बोल दी है, है. किसी ने भी उससे ज्यादा हरिता को फाइव तो मैच हो रहा है देख लो, तो दस हो बचे कितने दो कम से कम हर एक ने एक गोल किया है क्वेश्चन ने ये भी बोला है याद है ना फर्स्ट पैराग्राफ में कम से कम एक गोल हर एक ने किया है तो यार अगर मैं दो गोल बांटना है इन दोनों में तो हर एक को एक एक देना होगा लेकिन ये तो इक्वल हो गया ना इक्वल हो गया और आगे तो जा ही नहीं सकता अगर मैंने सेवन दिया तो बचे इलेवन में से एक ही मतलब में से गए तो हो गया। बचा एक तो किसी एक को दूंगा एक को जीरो ये तो पॉसिबल ही नहीं कम से कम एक गोल सबने किया है तो सिर्फ इस पॉसिबिलिटी के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं तो हरिता ने पक्का कितने गोल किए होंगे पांच तो हरिता ने अगर पांच किया है उसमें से हमें पता है कि एक उसने मैच फोर में किया है एक मैच मतलब गोल नहीं किया जीरो गोल और और है और वो किसी ने किया? हरिता ने।, ये तो ने पहले बता दिया था अभी भी उसने पांच गोल करना है तो तीन गोल अभी भी बचे है डेफिनेटली वो तीन गोल यहाँ तो नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ टोटल एक ही गोल हो रहा है वो तीन गोल यहाँ भी नहीं आएंगे तो तीन गोल्स कहा सकते हैं एम वन एम थ्री एम फाइव या एम से ठीक है और साथ ही में अब मुझे बताओ अगर यहां बारे में क्वेश्चन ने क्या बोला एक बार याद दिला दू बिमला ने एक गोल मैच वन में किया है एंड वन ईच इन थ्री कॉन्जिक मैचेस भाई साहब ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है थ्री कॉन्जिक मैचेस तो थ्री कॉन्जिक्यूटिव मैचेस दोस्तों डेफिनेटली बिमला के केस में ये तो तीन कॉन्जिक्यूटिव मैचेस बन नहीं रही है क्योंकि यहाँ बीच में जीरो आ गया यहाँ हम एक नहीं दे सकते हैं क्योंकि यहाँ एक ऑलरेडी हरिता ने ले लिया है तो थ्री मैचेस इसके अलावा कई चांस आपको दूर दूर तक दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है ठीक है तो अगर आप देख लो तो ये वन का हिसाब हो गया तो इधर तो पक्का कितना आ जाएगा टेबल को कंप्लीट करो ये वन चाहिए था ये वन किसने कर दिया बिमला ने तो इधर जीरो आ जाएगा इधर जीरो आ जाएगा साथ ही में और कहीं हो रहा है ऐसा चलो फिलहाल तो नहीं हो रहा है ठीक है तो इतना तो बन चुका है गाइस अब हम बढ़ते हैं आगे अगली इन्फॉर्मेशन की ओर तो समझ गया ना बिमला के तीन कॉन्जिक्यूटिव के जैसे से वहाँ वन 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 आया नाउ एन इक्वल नंबर ऑफ गोल वेयर स्कोर्ड इन मैच थ्री एंड मैच सेवन तो तीन नंबर और सेवन नंबर की मैच में इक्वल नंबर ऑफ गोल है वो कितने फिलहाल नहीं पता विच वॉज डिफरेंट फ्रॉम द नंबर ऑफ गोल्स कोर्ड इन इधर मैच वन एंड मैच फाइव तो थ्री और सेवन में सेम नंबर ऑफ गोल है जो मैच वन और मैच फाइव से अलग है सो so गाइज अगर मैं देख लो समझना तो अच्छी से उसने क्या बोला मैच थ्री और मैच सेवन इन दोनों में सेम नंबर ऑफ गोल है सेम नंबर ऑफ गोल जो डेफिनेटली वन और फाइव से अलग चाहिए तो वो सेम नंबर ऑफ गोल कितने हो सकते है? देखो में से चार का हिसाब तो हो गया ये हमने देखा है, one, 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 में one, one है। तो नंबर क्या, क्या, तो क्या बचे टोटल सिक्स गोल क्योंकि हमें टोटल आठ का हिसाब देना है ना आठ का हिसाब देना है तो ये चार हो गए आठ बचे आठ में से वन वन अगर मैं दे दूं मैच थ्री और मैच सेवन में इक्वल नंबर है तो गाइस ये वन हुआ ये वन हुआ बचे कितने या फिर ये एक पॉसिबिलिटी है अगर मैं इधर टू टू दे दूं तो बच्चे कितने फोर बराबर या मैं अगर इधर थ्री थ्री दे दूं तो बच्चे मतलब मैं सकता हूँ थ्री थ्री दे सकता हूं इक्वल दे दे ही देना है ठीक है तो बचे हुए मैचेस में कितने हो जाएंगे अगर वन वन दे रहा हूं तो बचे हुए मैचेस वन और फाइव में सिक्स जो कि हमें वन अलावा देना है अगर तो मुझे वन वन के अलावा देना है तो वन फाइव तो दे नहीं सकता हूँ फाइव वन दे नहीं सकता हूँ क्वेश्चन ने क्लियर बोला है कि इन दोनों मैचेस में सेम है एम थ्री और एम सेवन में विच आर डिफरेंट फ्रॉम मैच वन एंड मैच फाइव तो वन तो आना ही नहीं चाहिए तो डेफिनेटली सिक्स कैसे बटेगा एक तो टू फोर या थ्री थ्री समझ रहे हो गाइस अगेन ये फोर अगर है तो ये टू टू तो आ ही नहीं सकता समझ रहे हो तो आ ही नहीं सकता तो so ये कैसे आएगा ये आएगा थ्री एंड वन क्योंकि टू टू है जो इनके नंबर ऑफ मैचेस है अगर मैं यहाँ वन वन दू तो इन दोनों में वन वन नहीं आना चाहिए इसलिए ये पॉसिबिलिटी क्या बनी टू फोर या थ्री थ्री अगर मैं यहाँ पे टू टू दू तो बचे चार गोल कैसे बटेंगे टू टू नहीं बट सकते क्योंकि टू फिर रिपीट हो जाएगा थ्री वन अब किसको बन जाएगा किसको थ्री हम देख लेंगे या फिर अगर मैं थ्री थ्री दू गईस तो ये गोल कैसे बटेगा वन वन ठीक है ये एक पॉसिबिलिटी है और फोर तो दे नहीं सकते ना अगर आप सोच रहे होंगे सर अगर हम इन दोनों को फोर फोर दे दे तो आठ यही हुआ तो फिर भाई ये जीरो आ जाएगा ये जीरो आ जाएगा पॉसिबल ही नहीं यहाँ जीरो आना यहाँ तो ऑलरेडी इसका वन आया है ऑलरेडी वन आया है तो ये जीरो कैसे हो सकता है तो आगे की पॉसिबिलिटी तो बन ही नहीं रही है चलो गाइस ये पॉसिबिलिटी में से अब कौन सी यहाँ पर था बस जो थॉट प्रोसेस था ना जो ये कैट लेवल का क्वेश्चन बन गया था बस यहाँ पर बना था ये वाले पॉइंट को जिसने सही खेल लिया अब देखो केस आसान है तो यहां तक तो पॉसिबिलिटी बनी है कि इन दोनों में सेम है वो सेम क्या है वन वन है टू टू है थ्री थ्री है हमें नहीं पता लेकिन इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ठीक है चलो गाइस मैं में वन था ना हाँ तो यहां पे वन वन टू टू या थ्री थ्री हो सकते हैं अगर वन वन है तो ये दो पॉसिबिलिटी है बचे हुए दो मैचेस में टू टू है तो ये पॉसिबिलिटी थ्री थ्री है तो ये है पॉसिबिलिटी आगे बढ़ते हैं तो गाइज एन इक्वल नंबर ऑफ गोल इन मैच थ्री मैच सेवन विच आर डिफरेंट फ्रॉम वन एंड फाइव नाउ मैच इन विच द हाइएस्ट नंबर ऑफ गोल वॉज कोड वॉज यूनिक वो मैच गाइज जिसमें सबसे ज्यादा गोल हुआ है ना वो यूनिक है यूनिक मतलब, है वो गोल किसी के किसी भी मैच के साथ यूनिक है ठीक है एंड इट वॉज नॉट मैच फाइव और वो बोल रहा है कि वो हाइएस्ट नंबर ऑफ गोल मैच फाइव में भी नहीं है तो दोस्तों मेरे अगर सबसे पहली बात तो क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर वो यूनिक है तो वो डेफिनेटली मैच थ्री भी नहीं हो सकता मैच सेवन भी नहीं हो सकता क्योंकि मैच थ्री और मैच सेवन में तो क्या है इक्वल है ना भाई वन वन हो टू टू हो थ्री थ्री हो लेकिन इक्वल है तो हाइएस्ट नंबर ऑफ गोल मैच थ्री भी नहीं है मैच सेवन भी नहीं है मैच फाइव नहीं है ये तो क्वेश्चन ने सामने से बोला है ना विच इज नॉट मैच फाइव तो ये तो क्वेश्चन ने सामने से बोला है तो मैच फाइव भी नहीं है तो बची क्या देखो एम टू हो नहीं सकता एम फोर एम सिक्स एम एट हो नहीं सकता ये तो वन 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 गोल है जो कि रिपीटेड है अगेन यूनिक भी नहीं है तो एम टू भी नहीं एम फोर भी नहीं एम सिक्स भी नहीं एम एट भी नहीं क्या बचा क्या गाइज सिर्फ एम वन बचा यानी ये है वो मैच जिसमें नंबर ऑफ गोल होने वाले समझ रहे हो ये है वो मैच जिसमें हाइस्ट नंबर ऑफ गोल होने वाले और अगर नंबर ऑफ गोल यहाँ होने वाले गाइज तो अब देखो जो जो पॉसिबिलिटीज आपने ऊपर लिखी थी जो जो पॉसिबिलिटीज आपने ऊपर लिखी थी उसमें से ये पॉसिबिलिटी तो चांस ही नहीं क्योंकि अगर मैं थ्री थ्री इनको दे दू तो वन वन इनमें बटेगा ये हाइएस्ट थोड़ी हुआ अगर मैं यहाँ वन दू तो तब ये गया ये गया समझ रहे हो ना गाइस पूरी तरह हो ना मेरे साथ में बेटा जल्दी बंद कर रिकॉर्डिंग शुरू जल्दी बंद कर थोड़ी डिस्टर्ब मत कर मिनट बात। तो जैसे मैंने कहा आपसे कि यहां पर आपका ये केस तो बनी नहीं सकता हाइएस्ट नंबर ऑफ गोल अगर आपको मैच वन को देना ये हमने देख लिया है तो डेफिनेटली आप थ्री थ्री इनको नहीं दे सकते एम थ्री और एम सेवन को क्योंकि फिर एम वन के पास हाइएस्ट नहीं रहेगा अगर मैं इनको टू टू दे दू गाइस तो का बंटवारा है पॉसिबल तो 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 हो रहा है क्योंकि अगर मैं थ्री दू गाइज तो आपको हरिता का भी तो हिसाब मैच करना है ना क्वेश्चन ने क्लियर बोला है कि हरिता ने सिर्फ तीन मैच में स्कोर किया है ठीक है हरिता ने तीन मैच में स्कोर किया है जिसमें से

तो हरिता हाईएस्ट है और क्वेश्चन ने बोला है हाईएस्ट गोल स्कोरर जो है वो सिर्फ तीन मैच में ही गोल कर रहा है जिसमें मैच फोर और मैच एट इंक्लूडेड है तो मैच फोर और मैच एट में तो हमने गाइस उसका एक एक स्कोर काउंट कर ही लिया था मैच फोर में हरिता का एक स्कोर हमने काउंट कर लिया था मैच एट में हमने उसका एक स्कोर काउंट कर लिया था तो अब जो उसका हाइय गोल है बचे हुए तीन गोल एक और एक पांच देना है तो तीन गोल डेफिनेटली यहीं पे आएंगे ना डेफिनेटली यहाँ पे आएंगे क्योंकि तीन गोल अगर मैं यहां पे टू और टू ले लूँ तो तीन गोल यहाँ नहीं आ सकते तीन गोल यहाँ नहीं आ सकते अगर मैं टोटल ही टू ले रहा हूं तो ठीक है तीन गोल यहां भी चांस है नहीं एम फाइव में हाइएस्ट गोल देना ही नहीं है तो डेफिनेटली तीन गोल यहां पे नहीं आएंगे नहीं तो फिर यहां पे हाइयस्ट हो जाएगा चार तो गाइज वो तीन गोल डेफिनेटली यहाँ आएंगे तब जाके यहाँ पे हाईएस्ट होगा तो अगर मैं यहाँ पे हरिता की तीन लूँ तो वन तो बिमला का है ये तीन चार तो यही हो गया यार तो टोटल नंबर ऑफ तीन कैसे हुआ तो टोटल तीन पॉसिबल यहां भी नहीं हो रहा है इसलिए ये केस भी फेल गाइस अच्छी से समझो कहीं पर भी रत्ती भर भी डाउट है तो वापिस पीछे जाकर एक बार देखो गाइज यही है वो केस जो आप कर सकते थे तो सिंपल सी बात है अगर क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि अगर मैं दो दो गोल दे दू एम थ्री और एम सेवन में तो आपको हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल अगर एम वन को देना है तो डेफिनेटली यहाँ पे थ्री वन में आप थ्री इधर दोगे थ्री इधर दोगे तो हरिता का थ्री और हरिता को हम अब ये थ्री को हम बांट नहीं सकते ना क्योंकि हरिता ने सिर्फ तीन ही मैच में स्कोर किया है उसमें से दो हमारे पास है तो बचे हुए पूरे के पूरे तीन हमें एक ही किसी मैच में देना है तो डेफिनेटली वो यहाँ देना होगा सिंपल सी बात है तो दोस्तों अगर वो हम यहां दे रहे क्योंकि ये अगर टू और टू आ रहा है तो यहाँ थ्री आ नहीं सकता वही बात मैं बता रहा हूं यहाँ थ्री आ गया तो हाइएस्ट एम बन जाएगा है ना फिर हाइएस्ट एम बन जाएगा तो हमें डेफिनेटली अगर एम को हाईस्ट लेना है तो थ्री यहाँ होगा बट थ्री अगर यहाँ हो गया तो इनकी टोटल तो चार हो गई ना तो वो केस भी क्या हुई गाइज फेल हुई अब वो केस अगर फेल हुई तो अब इकलौती केस बची है फर्स्ट वाली कौन सी केस बची गाइज फर्स्ट वाली तो फर्स्ट वाली केस क्या बोल रही है कि वन वन दे दो यहाँ पे बोला है सब क्या हो रहा है प्रॉब्लम हो रहा है टोटल मैच नहीं हो रही है दूसरी बात अगर थ्री इधर भी दू थ्री इधर भी दू तो फिर वो यूनिक का हुआ है ना यूनिक भी बोला है ना तो गाइज वो सिर्फ फोर और टू पे फोर यहां पर आएगा एंड टू यहां पर आएगा और अगर फोर यहां पे आया तो हरिता का थ्री देखो वन प्लस थ्री फोर मैच हुआ मतलब ये पक्का जीरो ये पक्का जीरो थीके? अगर मुझे ये वन देना है गाइज हरिता को तो, तो हिसाब हो गया ना तीन और एक और एक हो गया तो बचा हुआ सब क्या हो गया जीरो 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 थीके? अब क्या बचा यार अब अगर यारे टू देना है तो डेफिनेटली एक तो यहाँ अब मैं जो क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ ना व्हाइट पेन से ये चीज हमें पूरी तरह से क्या है अभी तक अननोन है बाकी देखो ये कंप्लीट हो गया है ना यहाँ वन का हिसाब मिल गया तो ये जीरो जीरो हो जाएगा ये जीरो जीरो हो जाएगा अलग पेन से कर दू देख लो यहाँ वन का हिसाब बन गया जो वन किसका है बिमला का तो यहाँ जीरो जीरो हो जाएगा बराबर ये पूरा बन गया हाँ ये हमें पता नहीं हाँ टू का हिसाब देना है ये टू किसने अमला ने किया है या सरिता ने किया है डोंट नो सेम अमला और बिमला में यहां पे भी वन वन का हिसाब देना है लेकिन किसने किया है उसके बारे में क्वेश्चन इंफॉर्मेशन नहीं दिएगा गाइस तो इसी चीज को मैं एक व्हाइट पेन से क्वेश्चन मार्क लिख रहा हूं ये चीज फिलहाल हमें नहीं पता ये सिक्स क्वेश्चन मार्क हमें नहीं पता बाकी पूरा टेबल रेडी है मैं बार बार बोल रहा हूं अगर थोड़ा भी दिक्कत आ रही तो एक बार थोड़ा सा वापस रिवाइंड करके देख लो तो ये टेबल रेडी है गाइस और इसके बेसिस पे हम देंगे आंसर एक जगह चार गोल है बिमला के हरिता के पांच मतलब एक को किसी को दो गोल गए हैं और किसी को एक गोल गया अब किसको दो गए हैं किसको एक गए हमें नहीं पता हो सकता है अमला को दो जाए तो सरिता को एक या अगर सरिता को दो गए तो अमला को एक हमें नहीं पता लेकिन बिमला को चार हरिता को पांच फिक्स है नंबर ऑफ गोल भी फिक्स हो गए हैं इवन नंबर ऑफ मैच में 1 1 1 गोल उसने बोला था M3 और M7 के सेम चाहिए जो कि वन वन आया तो उसके बाद जो बचे 6 उनका हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ये हुआ जिसमें उसने हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल बोला था जो कि यूनिक चाहिए यूनिक आया फोर कहीं पर भी है और फोर नहीं और सबसे इम्पोर्टेंट उसने बोला था हमें कि हरिता का टोटल जो है वो फोर मैच भी हो रहा है यहाँ पे बराबर हरिता को बिमला से ज्यादा है यस हर चीज हो रही बस ये छह क्वेश्चन मार्क वो है आपकी गलती नहीं है डेटा इनसफिशिएंट है तो कितने गोल गए हैं तो मैच सेवन में गया है भाई साहब एक गोल मार दो मैच सेवन में कितने गोल गए ओनली वन सो वन इज द आंसर गाइज ठीक है तो नेक्स्ट नेक्स्ट हम जाएंगे सेकंड नंबर पे क्वेश्चन पे फॉलोइंग इज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ गोल्स in इन मैचेस वन थ्री फाइव सेवन थ्री फाइव सेवन के नंबर ऑफ गोल्स देख लो गाइस क्या है आ जो टेबल पे आज में फोर थ्री में वन फाइव में 2, और 7 में वन फोर वन टू वन देख लो क्या ऑप्शन है फोर वन टू वन फोर वन टू वन ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू दो स्टेटमेंट दिया है कौन सा ट्रू है पूछ रहा है भाई। देखो, Amla और Sarita, अगर आप ठीक से देखो हमें अमला और सरिता का देखो एक किसी का दो गोल देना है और किसी का एक गोल देना है बट गाइज डेफिनेटली आपको कॉलम की टोटल भी देखनी होगी अगर मैं अमला को यहां एक दू तो सरिता को एक दे ही नहीं सकता

अगर मैच टू सेम मैच में मैं दोनों को गोल दे दूं तो टोटल दो हो जाएगी चांस ही नहीं है अगर यहाँ हमला गोल कर रही तो सरिता पक्का नहीं करेगी और अगर सरिता कर रही तो हमला पक्का नहीं करेगी इनफैक्ट यहां पर भी देख लो एम फाइव में भी दो गोल है ठीक है दो गोल है गाइज लेकिन डेफिनेटली अगर आप यहाँ पे दोनों को एक एक दे दो आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ एक एक दे देते ना भाई अगर यहाँ एक एक दे दो तो किसी एक का तो कोटा फुल हो जाएगा ना इसी एक का फुल हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल सरिता का अगर एक ही गोल है और सरिता को आप यहाँ एक गोल दे दो एक टोटल मैच हो जाएगा फिर ये दोनों जीरो आएगा फिर ये दोनों गोल ये एक एक मैच करने के लिए दोनों गोल किसको करना होगा अमला को तो अमला यहाँ भी करेगी अमला यहाँ भी करेगी और आप यहाँ भी वन वन दे रहे हो तो ये तो गलत हो जाएगा ना इनफैक्ट यहाँ पर भी चांस ही नहीं क्योंकि यहाँ वन ऑलरेडी आ चुका है ठीक से देखो तो वन ऑलरेडी यहाँ पर है तो दोनों को वन वन का चांस ही नहीं बन रहा है इसी एक को ही बनेगा तो यस गाइस फर्स्ट स्टेटमेंट तो हंड्रेड परसेंट ट्रू है

गोल करना मतलब क्या होता है जीरो से ज्यादा तो जीरो तो गोल करना हुआ ही नहीं ठीक है क्वेश्चन ने बोला हरिता सरिता सेम मैच में नंबर ऑफ गोल्स नहीं करेगी ठीक है तो क्वेश्चन आपको बोल रहा है तो यहां तो देखो गोल इसने तीन किया इसने जीरो किया यहां तो हरिता गोल ही नहीं कर रही है तो सरिता अगर एक एक गोल भी करेगी तो मैच नहीं होगा है ना यहां देख लो अगेन मैच हो रहा है नहीं हो रहा है यहां पर भी अगर ये गोल कर ही नहीं रही है तो एक गोल कर भी लेगी तो मैच नहीं होगा क्वेश्चन तो ने वही बोला है कि हरिता एंड सरिता नेवर स्कोल स्कोर गोल इन द सेम मैच यस गाइज अगर अब यहां पे हरिता गोल कर भी ले सॉरी सरिता तो हरिता से मैच नहीं होगा यहाँ ऑलरेडी देख लो हरिता का सरिता से मैच नहीं हो रहा है तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट पूरी तरह ट्रू है बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू तो इसका आंसर है ऑप्शन बी बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू ठीक है ये उसका फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स बोला है ये तो क्वेश्चन ने पैराग्राफ में, के में बोला है कि भाई, कि एक बार तो गोल हर प्लेयर करेगा ही मतलब जीरो गोल किसी का नहीं है तो इन एवरी मैच एटलीस्ट वन प्लेयर स्कोर गोल और आप खुद ये टेबल देख के भी जान सकते हो कि यहाँ पे हर मैच कोई भी मैच ऐसी गई है जहां नंबर ऑफ गोल जीरो हुआ है नहीं हर मैच में कोई ना कोई तो गोल हुआ है फोर वन 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 टू वन 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 ठीक है तो यस फर्स्ट तो ट्रू है लेकिन इस बार उसने क्या पूछा है तो पहला तो ट्रू है तो पहला है नहीं दूसरा सेम नंबर ऑफ मैचेस गाइज ये चीज भी तो हंड्रेड परसेंट सही है ना अगर आप ठीक से देखो तो हरिता ने कितने नंबर मैच में गोल किया है हरिता ने एक दो तीन नंबर ऑफ मैचेस में गोल किया है बब, ये ने एक दो तीन चार चार नंबर ऑफ तो तो मैचेस में गोल किया हरिता ने तीन अगेन गाइज अमला देखो अब अमला कहीं पर भी गोल करेगी वो एक, एक ही करेगी अगर मैं अमला को दो गोल भी दे दू तो वो एक यहाँ करेगी एक यहाँ एट ए टाइम दो नहीं कर सकती क्योंकि हमें टोटल कॉलम की टोटल भी मैच करना है तो अमला यहां दो गोल करेगी तो सरिता पक्का कोई एक ही गोल करेगी क्योंकि सरिता को एक ही गोल देना है फिर हमें अगर हम अमला को दो दे रहे हैं तो सरिता को एक देना है तो अमला एक एक ऐसे दो मैच में गोल करेगी सरिता एक में ही करेगी और वाइस ऑ अगर हमने सरिता को दो दे दिया तो वो एक एक ऐसे दो मैच में गोल करेगी और अमला एक ही मैच में तो यस गाइज ये जो क्वेश्चन ने हमें स्टेटमेंट दिया है ठीक है ये जो स्टेटमेंट दिया है नो टू प्लेयर्स स्कोर्ड गोल इन द सेम नंबर ऑफ मैच ये बिल्कुल सही है कोई भी प्लेयर्स के जो गोल है वो नंबर ऑफ मैचेस वाइज अगर आप देखो तो सेम नहीं है ठीक है तो यस गाइज ये बिल्कुल सही है तो नन ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स उसने बोला कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है नन ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स गाइज अगला देख लो तो ये था इस केस का लास्ट क्वेश्चन गाइज कि इफ हरिता स्कोर गोल इन वन मोर मैच एज कंपेयर टू सरिता हरिता ने अगर नंबर ऑफ गोल जो है इन वन मोर मैच मतलब हरिता ने दो मैच में स्कोर ह, हमें हरिता और बिमला अम्ला, अम्ला का हमें नहीं पता तो क्वेश्चन है नंबर ऑफ मैच जिसमें हरिता ने गोल किया है वो सरिता से एक से ज्यादा है मतलब मान लो आपके पास डेटा है अभी आपने देखा कि हरिता ने कितने मैचेस में गोल किया है क्वेश्चन ने क्लियर बोला है हरिता ने टोटल तीन मैचेस में गोल किया है एक दो और तीन मतलब सरिता ने कितने मैचेस में गोल किया होगा पक्का दो ये क्वेश्चन बोल रहा है हरिता के नंबर ऑफ गोल सरिता से एक से ज्यादा है नंबर ऑफ गोल नहीं नंबर नंबर ऑफ ऑफ मैचेस मैचेस जिसमें हरिता ने गोल किए हैं वो सरिता से एक से ज्यादा है तो अगर उसने तीन मैचेस में गोल किया है तो सरिता ने दो में किया है और अगर सरिता दो में गोल कर रही है मतलब सरिता ने टोटल दो गोल किए हैं क्योंकि सरिता दो गोल जो करने वाली है दो मैचेस में वो एक एक करने वाली है तो एक एक अगर वो गोल करेगी तो उसने दो गोल किए हैं तो डेफिनेटली अमला ने कितने किए गाइज वन तो आखिरी क्वेश्चन के लिए अब आपके पास नंबर ऑफ गोल फिक्स हो चुके हैं हरिता तो पांच था ही बिमला तो चार था ही टू और वन में कंफ्यूजन था लेकिन क्वेश्चन ने बोला है कि जितने मैचेस में हरिता ने गोल किए हैं टोटल तीन उससे एक कम में सरिता ने किए मतलब सरिता ने दो मैचेस में गोल किए और हर मैच में वो एक एक करेगी तो उसने दो गोल किए है ना तो दो गोल दो मैच में तो अमला के पास एक तो अब देख लेते गाइस क्वेश्चन क्या है आ जाओ फटाफट से तो क्वेश्चन आपको बोल रहा है अमला गोल इन मैचेस चांस ही नहीं है क्योंकि अमला के पास एक ही तो गोल आया है और अगर एक ही गोल आया तो कॉन्जीग्यूटिव मैचेस में कैसे कर लेगी तो ये तो फॉल्स है वो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ने ट्रू हाँ तो पहला तो फॉल्स निकला अमला के नसीब में एक ही गोल आया है हरिता के पास थे उसने टोटल तीन मैचेस में गोल किया तो डेफिनेटली सरिता के मैचेस कितने हुए दो मैचेस क्योंकि एक से ज्यादा है क्वेश्चनिजन में के मैचेस। तो सरीता के दो गोल हुए, अमला, तो अमला? सरिता स्कोर्ड गोल इन मैचेस तो गाइज सरिता कॉन्जीगेटिव मैचेस में गोल करेगी ये कैन बी ट्रू हो सकता है मेजोरिटी स्टूडेंट यहां फंसे के दो गोल है स्टूडेंट क्या सोच रहे कि हाँ सर मैचेस में चांस है ना अगर वो यहां एक गोल कर ले और यहाँ एक गोल कर ले तो इस क्वेश्चन मार्क पे इस क्वेश्चन मार्क पे हो गया और अमला को जो एक गोल देना हम यहाँ दे देते मैच पाई में भी तो हमें एक गोल देना है ना तो यहाँ अमला जीरो जीरो हो जाएगी और यहाँ वन हो जाएगा देखो बराबर वन वन टू मैच हो गया बट गाइज ये ट्रू हो सकता है कैन बी स्टूडेंट फंस गए क्वेश्चन की लैंग्वेज में अब गाइज मैं आपको फोकस करा रहा हूँ उस सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड पे जो यहाँ दिया गया है फॉलोइंगली ट्रू अगर यही क्वेश्चन ऐसा आता ना विच ऑफ दी ट्रू कैन बी ट्रू तो आप स्टेटमेंट टू तो ट्रू हो सकता है ना कोई तो बात है हंड्रेड परसेंट वो ट्रू है कि नहीं उसका हमारे पास कोई ठोस सबूत या ठोस इन्फॉर्मेशन नहीं है गाइज और मेजोरिटी स्टूडेंट ने यहां बोलकर आए स्टेटमेंट टू इज ट्रू इस पर स्टेटमेंट टू पर और जब आपके सामने रिस्पॉन्स शीट आई तो आप चौक गए होंगे कि अरे यार सर स्टेटमेंट टू को तो गलत दे दिया भाई आपने लैंग्वेज नहीं पढ़ी उसने बोला है नेसेसरीली अगर कैन भी बोलता तो स्टेटमेंट टू होता उसने नेसेसरीली बोला तो ये भी नेसेसरीली है कि नहीं हमारे पास कोई भी उखता सबूत नहीं है सो नन ऑफ द स्टेटमेंट इज नेसेसरीली ट्रू समझ में आया गाइस तो ये थी वो आपकी सेकंड डूएबल केस आई होप आप क्लियर होंगे ठीक है गाइस तो चलो बढ़ते नेक्स्ट केस के, के? अगली केस देखना गाइस एकदम आसान केस है नेक्स्ट वाली केस जो की थी नेटवर्क डायग्राम यस गाइस तो ये केस ने इस बार बहुत धूम मचाई है बहुत से स्टूडेंट को तो पसीने छूट गए थे इस केस को करते हुए हालांकि एकदम इजी केस है है ना अगर उसकी सारी कंडीशंस को समझो तो और दूसरी बात मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स को ये थोड़ा सा नया पैटर्न भी लगा हालांकि नया तो नहीं है और ये एक नहीं बल्कि इस बार कैट के दो स्लॉट्स आउट ऑफ थ्री दो स्लॉट्स में नेटवर्क डायग्राम के क्वेश्चन थे तो कम ऑन गाइज देखो ये क्वेश्चन आपको एक नेटवर्क डायग्राम दिया नेटवर्क डायग्राम में एम ये सारे डायरेक्शन आपको दिख रहे होंगे है ना वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ अब ये ए एम पी बी ये सब क्या है एस आर ये डॉट्स क्या है सब आगे क्लियर किया है दोस्तों एवरीथिंग एवरीथिंग इज गिवन नाउ देखो गिवन अबो इज दिमेटिक मैप ऑफ मेट्रो लाइन्स सिटी विथ रेक्टेंगल्स डिनोटिंग टर्मिनल स्टेशन तो गाइस ये जो रेक्टेंगल से टर्मिनल स्टेशन है रेक्टेंगल जैसे उसने फॉर एग्जांपल ए बोला तो ये सारे टर्मिनल स्टेशन से ये सारे टर्मिनल स्टेशन से नेक्स्ट नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे वो हमें बोल रहा है डायमंड ज़िनोटिंग द जंक्शन स्टेशन जैसे कि उसने आर बोला है सो डायमंड यानी कि ये देखो ये देखो डायमंड शेप में जो दिए हैं आर पी सॉरी आर टी एस वी ये सारे जंक्शन स्टेशन बोला गया नाम याद रखो यानी टर्मिनल स्टेशन ये डर, र, बोलो या फिर आप इसको डायमंड बोलो यानी क्या हुआ जंक्शन स्टेशन एंड स्मॉल अप सर्कल डिनोटिंग अदर स्टेशन ये जो ये डॉटेड डॉटेड सर्कल आपको दिख रहे हैं ना कहीं ये ये अदर स्टेशन है ठीक है तो ये सब चीजें आपको दे दी गई है नाउ आगे बढ़ते हैं ईच ट्रेन इन ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ अगर आप ठीक से देख रहे हो तो आपको डायरेक्शन एक तो ईस्ट वेस्ट दिखाई दे रहा है यानी कि ऐसे या फिर नॉर्थ साउथ इस तरह से ठीक है नाउ बट नॉट बोथ कोई भी ट्रेन ऐसा नहीं है कि भाई ऐसे वेस्ट की तरफ से ऐसे आते हुए इस तरह से 90 डिग्री लेफ्ट या राइट ले ली नहीं एक तो वो कंटिन्यूस इसी लाइन में घूमेगी या फिर इसी लाइन में ठीक है नॉट द बोथ नाउ अब से चीजें समझो गाइज यहां से अच्छी चीजें समझो ऑल ट्रेन स्टॉप फॉर टू मिनट एट ईच ऑफ द जंक्शन स्टेशन ऑन द वे जंक्शन स्टेशन मतलब क्या जो डायमंड है तो जब भी ट्रेन डायमंड वाले स्टेशन पे जाएगी दो मिनट स्टॉप है हॉल्ट है उसका तो ईच ट्रेन स्टॉप फॉर टू मिनट एट ईच ऑफ द जंक्शन स्टेशन ऑन द वे एंड वन मिनट एट ईच ऑफ द अदर स्टेशन अदर स्टेशन मतलब वो जो छोटे छोटे ब्लैक स्पॉटेड uh, सर्कल्स है ना वो उनको अदर स्टेशन बोला गया है तो वहां पे वन मिनट का हॉल्ट है और जंक्शन स्टेशन पे दो मिनट का हॉल्ट इट टेक्स टू मिनट टू रीच द नेक्स्ट स्टेशन फॉर ट्रेन गोइंग इन ईस्ट टू वेस्ट तो गाइस अगर आपने ठीक से देखा होगा डायग्राम तो ये एक डायरेक्शन एक स्टेशन से दूसरा स्टेशन दूसरे स्टेशन से तीसरा तो हर एक स्टेशन को दूसरे स्टेशन पर जाते समय उस ट्रेन को दो मिनट लगते हैं जैसे गाइज अगर आप इस डायग्राम से देखो तो हर जंक्शन स्टेशन पे दो मिनट हॉल्ट है हर अदर स्टेशन पे कितने का हॉल्ट है एक मिनट का और एक स्टेशन से दूसरे दूसरे से तीसरे जाते समय हर दो कॉन्जिगेटिव स्टेशन में दो दो मिनट का ब्रेक है यहाँ से यहाँ भी दो मिनट यहाँ से यहाँ भी दो मिनट इस तरह से क्वेश्चन में बोल रहा है गाइस ठीक है नाउ सो so बढ़ते आगे तो इट टेक्स टू मिनट टू रीच द नेक्स्ट स्टेशन फॉर ट्रेन गोइंग ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एंड थ्री मिनट टू रीच द नेक्स्ट स्टेशन फॉर ट्रेन गोइंग नॉर्थ साउथ गाइज अगेन कहानी में ट्विस्ट अगर आप ईस्ट वेस्ट देखो यानी देखोजेंटल लाइन तो वो हर दो स्टेशन के बीच में दो मिनट का गैप लेगा ट्राविलिंग. लेकिन वही अगर आप नॉर्थ साउथ देखो यानी वर्टिकल लाइन तो वहां पर तीन मिनट का बोला गया है नाउ फ्रॉम ईच टर्मिनल स्टेशन टर्मिनल स्टेशन यानी क्या स्क्वायर रेक्टेंगल द फर्स्ट ट्रेन स्टार्ट एट सिक्स एम मतलब ट्रेन स्टार्ट टर्मिनल स्टेशन से ही होगी और जब ही भी होगी वो तब टाइम क्या हुआ होगा सिक्स एम ठीक है तब टाइम क्या हुआ होगा गाइस सिक्स द लास्ट ट्रेन लीव द टर्मिनल स्टेशन एट मिड और एकदम पे क्या होगा लास्ट ट्रेन छोड़ेगी यानी बजे से जो ट्रेन का सिलसिला शुरू होगा एक ही नहीं बल्कि इन एट ईच टर्मिनल पॉइंट बराबर यानी कि हर जो स्क्वायर आपको दिख रहा है वहां पे छह बजे से ट्रेन स्टार्ट हो जाएगी और मिडनाइट तक चलेगी आखिरी ट्रेन मिडनाइट को निकलेगी नाउ अदरवाइज ड्यूरिंग द सर्विस आवर्स देयर आर मेट्रो सर्विस एवरी फिफ्टीन मिनट इन द नॉर्थ साउथ लाइन एंड एवरी टेन मिनट इन द ईस्ट वेस्ट लाइन और पता है ये छः बजे निकल तो रही है लेकिन क्या सर एक ही ट्रेन निकलेगी बस नहीं हर पंद्रह मिनट के बाद निकलेगी अगर आप कौन सा डायरेक्शन लो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट लो तो हर टेन मिनट बाद मतलब गाइज अगर आप ये वाला रूट लो ये कौन सा हुआ नॉर्थ साउथ देखो तो यह हर पंद्रह मिनट के बाद मान लो छः बजे पहली ट्रेन है तो अगली छः अगली अगली ट्रेन कब होगी छः बज के पंद्रह मिनट

ट्रेन मस्ट रेस्ट फॉर एटलीस्ट फिफ्टीन मिनिट आफ्टर कंप्लीटिंग अ ट्रिप एट द टर्मिनल पॉइंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के टर्मिनल टू टर्मिनल जब भी वो जर्नी कंप्लीट हो गई पंद्रह मिनट का वहां पर ब्रेक है ऐसे बीच में जो भी स्टेशन आएंगे वहां पर कितने का गैप है कहीं कहीं पर एक मिनट का कहीं कहीं पर दो मिनट का है ना जंक्शन पॉइंट पे दो मिनट का देन अदर पॉइंट अदर स्टेशन पे एक मिनट का लेकिन जब टर्मिनल टू टर्मिनल पहुंच जाएगी पंद्रह मिनट का पूरा हॉल्ट होगा और यहाँ पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अलग नहीं बताया मतलब हर जगह सेम ही है लेकिन सिर्फ आपको ये याद रखना है कि ईस्ट वेस्ट में हर दो स्टेशन के बीच में कितने का फासला है दो दो मिनट का और नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ साउथ में तीन तीन मिनट का ये पहली बात और दूसरी बात कि जब नॉर्थ साउथ देखो तो हर पंद्रह मिनट बाद अगली ट्रेन आ रही है और ईस्ट वेस्ट में हर दस मिनट बाद अगली ट्रेन आ रही है

यहां से एक बार ट्रेन निकली इधर गई यहाँ आने के बाद पंद्रह मिनट का ब्रेक खुलेगी कम से कम फिर इधर आएगी वापिस होगी डायरेक्शन नाउ आगे बढ़ते ऑल आर रिलेटेड टू दिस मेट्रो सर्विस ठीक है दैट इफ द रीचेस अ स्टेशन एग्जैक्टली एट द टाइम अ ट्रेन इज सपोज टू लीव ही और शी कैन कैच दैट ट्रेन मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मान लो एक ट्रेन निकल रही है बज के दस मिनट पे और बंदा छह बज के दस मिनट पे ही पहुंचा है तो क्या वो कैच कर पाएगा ऐसा तो है नहीं कि उड़न छू डायरेक्ट वहां पहुँचा और एक सेकंड में विद इन अ सेकंड वो ट्रेन के अंदर पहुंच गया अब आप बोलोगे सर उसको चलने को तो टाइम लगेगा ना चढ़ने को टाइम लगेगा चलने को टाइम लगेगा तो कैसे की कैसे पहुंचेगा अगर सिक्स ट्रेन को वहां पे जस्ट रीच हुआ है एक ट्रेन से दूसरे ट्रेन में कैसे चढ़ेगा तो गाइज क्वेश्चन ने आपका यही अजम्पशन यही जो डाउट है वो क्लियर किया है कि एज्यूम करो वो चढ़ जाएगा वो एक सुपर पावर उसको मिलेगी और वो चढ़ जाएगा क्वेश्चन तो की लास्ट लाइन वही बोल रही है कि अगर मान लो कोई ट्रेन छह बज के पंद्रह मिनट पर है और बंदा भी अगली ट्रेन से छह बज के पंद्रह मिनट पर आ रहा है उस ट्रेन में बैठने के लिए जो सिक्स फिफ्टीन को स्केड्यूल हुई है तो क्या बैठ पाएगा यस yes. तो वही बोला है कि वो बैठ पाएगा एज्यूम दैट इफ समन रीचेस अ स्टेशन एग्जैक्टली एट द टाइम अ ट्रेन इज सपोज टू लीव ही और शी कैन कैच द ट्रेन तो भाई बस इतना डेटा दिया था और क्वेश्चन में अब आपको जैसे कि अब तक हमने जो दो केसेस देखी वह हमने प्रॉपर टेबल बनाया अजल सॉल्व की जो डायरेक्ट डेटा था लिखा जो हिडन डेटा था वो ढूंढा लेकिन गाइज यहाँ ऐसा कुछ नहीं है उसने हमें एक कंडीशन दे दी ऐसे केस को नेटवर्क डायग्राम जरूर है लेकिन कंस्टेंट बेस केस भी बोला जाता है उसने आपको कंस्टेंट कंडीशन सारी दे दी है सबको ध्यान में रखते हुए बेस्ट पॉसिबल आंसर आपको ढूंढना है कैलकुलेटिव है लेकिन आसान है कुछ चीज़ें मैं आपको वापिस से रिवाइज करा दूँ गाइज और फिर हम आगे बढ़ते हैं तो सिंपल सी बात है देख लेना एक बार कि ये जो हमारा ट्रैक है इसमें दो तरह की ट्रैक है एक तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में हर 10 मिनट के बाद ट्रेन निकल रही है हर ये टर्मिनल पॉइंट है जो आपको एक्सट्रीम दिख रहा है वहां से हर 10 मिनट बाद आपको ट्रेन जाते हुए दिखेगी अगर ईस्ट वेस्ट देखो तो और हर 15 मिनट में नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ साउथ देखो तो और 6 बजे हर टर्मिनल पॉइंट से ट्रेन स्टार्ट हो जाएगी जैसे एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर पहुंची ट्रेन वापिस रिटर्न आते समय कम से कम पंद्रह मिनट का ब्रेक लेने के बाद वो वहाँ से निकलेगी ये हुई पहली बात दूसरी बात ये जो चार स्टेशन है इनको बोला जाएगा जंक्शन स्टेशन यहाँ पे क्या होगी ट्रेन दो दो मिनट रुकेगी और ये जो डॉटेड है जो सर्कल्स है उनको बोला जाता है अदर स्टेशन है, एक एक मिनट रुकेगी और हर दो स्टेशन में अगर आप ईस्ट वेस्ट लो तो दो मिनट लेगी ट्रेन और अगर आप नॉर्थ वेस्ट लो गाइज ठीक है अब यहाँ पर भी पता है कुछ तो एक मिस्टेक हुई है गाइज यहाँ पर भी सर्कल्स थे अगर आप अपना क्वेश्चन देखो तो यहाँ तीन या चार सर्कल थे मैं आपको एक बार कंफर्म करके बताता हूँ एनी वेज तो गाइज तो अगर आपने सिंपल सी बात है कि अगर आप नॉर्थ नॉर्थ साउथ में जा रहे हो तो हर अगले स्टेशन पे जाने को तीन मिनट लगेगा और ईस्ट वेस्ट में दो मिनट तो इतनी बातें गाइस ये बातें ध्यान में रखो और फिर देखो क्वेश्चन कितना फर्स्ट क्लास सॉल्व होता है तो बड़े क्वेश्चन पे गाइस रेडी हो तो बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन पे लेकिन वो करने से पहले आपको मैं एक चीज क्लियर कर दू कि जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में मिस्टेक एक ज ये हुई है ओरिजिनल एग्जाम में तो डेफिनेटली नहीं हुई थी ये जो स्क्रीन पे आपको डायग्राम बेस्ट क्वेश्चन है, है तो 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 कंडीशन देखो उसके हिसाब से सोचो इफ हरी इज रेडी टू बोर्ड अ ट्रेन एट आठ बज के पांच मिनट आठ बज के पांच मिनट पे वो पहुंच गया था स्टेशन वो रेडी है बिल्कुल ट्रेन बोर्ड करने बस ट्रेन आ जाए और चढ़ जाए ठीक है फ्रॉम स्टेशन तो आठ बज के पांच मिनट मॉर्निंग में आ गया था फ्रॉम स्टेशन एम एम से उसको गाड़ी ट्रेन पकड़नी है देन वेन इज द अर्लीस्ट दैट ही कैन रीच द स्टेशन एन तो अगर वो एम से निकले और एन पे पहुंचना चाहता है दोस्तों अगर गाइज सुनना अगर वो एम से निकले और एन पे पहुंचना चाहता है आठ बज के पांच मिनट पर वो आ चुका है तो कितना टाइम उसको लगेगा कितना टाइम उसको लगेगा एम से एन पे पहुंचने के लिए पता है मेजॉरिटी स्टूडेंट ने क्या किया होगा स्टूडेंट ने बोला होगा सर कितना इजी है सिंपल है ईस्ट वेस्ट लाइन है अगर ईस्ट वेस्ट लाइन है तो डेफिनेटली सर हर दो स्टेशन में यहाँ पे आ, दो दो मिनट लगेंगे पहुँचने में तो स्टेशन देख लो कितना है ये बिल्कुल सही जा रहे हो गई बिल्कुल सही जा रहे हो पहले स्टेशन काउंट कर लो तो अगर आप स्टेशन काउंट कर लो तो कितना स्टेशन है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी तो ट्वेंटी स्टेशन है त् इंटू टू मिनट

सिंपल सी बात है मेजॉरिटी स्टूडेंट अब अब सुनना कहानी में ट्विस्ट है मेरे भाई कहानी में ट्विस्ट है तो टोटल सेवनटीन अदर स्टेशन इंटू वन तो ये हुआ सेवनटीन टोटल टू जंक्शन स्टेशन इंटू टू मिनट ये हुआ चार मिनट समझ गया ना अब तक की कहानी ये तो ट्रैवलिंग टाइम है फोर्टी मिनट क्योंकि अगर एम से एन देखो तो हमने स्टेशन काउंट किए 20 स्टेशन आते हैं और ईस्ट वेस्ट लाइन पे हर अगले स्टेशन पे पहुंचने के लिए दो मिनट लगते हैं तो ट्वेंटी इंटू टू फोर्टी मिनट स्टेशन आपको अदर दिख रहा है और हर अदर स्टेशन पे हम एक मिनट रुक रहे हैं तो वेटिंग टाइम हो गया मतलब हॉल्टिंग uh, टाइम और जंक्शन स्टेशन दो आ रहा है और हर जंक्शन पे हम दो मिनट रुकते हैं टू इंटू टू तो गाइज ये आंसर कितना हुआ यानी मिनट तो स्टूडेंट ने पता है क्या किया सिक्सटी वन मिनट मतलब यहाँ पे साठ मिनट यानी एक घंटा आठ मिनट यानी एक घंटा यानी नौ बज के पांच मिनट और एक मिनट एक्स्ट्रा है ना सिक्सटी वन है तो गाइस मेजॉरिटी स्टूडेंट ने ये वन मिनट ऐड कर दिया और बोल दिया आठ बज के सॉरी नौ बज के छ मिनट और ऑप्शन में आई गेस नौ बज के सिक्स मिनट दिया है नहीं दिया है एक बार चेक कर लेते हैं नौ बज के सिक्स मिनट दिया है बट दिस इज रॉन्ग अब आप में से कई लोग इस पर टिक करके आए होंगे और जब रिस्पॉन्स देखी होगी तो पूरी तरह डिमोरलाइज हो गए होंगे अरे यार ये तो क्या हुआ ना सही करने का तो भी गलत क्यों हुआ जिस, जिन जिन लोगों ने केस की थी तो गाइज मैं बता दूं आप लोगों ने सबसे बड़ी ये आपका कैलकुलेशन रत्ती भर भी गलत नहीं है अगर आप इस कैलकुलेशन कैलकुलेशन की बात करो तो ये पूरा एकदम करेक्ट है लेकिन है लेकिन आप एक चीज भूल गए गाइज आपने हॉल्टिंग टाइम को पकड़ा आपने ट्रैवलिंग टाइम को पकड़ा लेकिन एक चीज भूल गए क्वेश्चन ने यह भी तो बोला था कि अगर ईस्ट वेस्ट देखो तो हर दस मिनट के बाद ट्रेन जा रही है है ना ऐसा थोड़ी कि भाई अपनी खुद की वेहीकल है जब किक मारो निकले या जब स्टेयरिंग घुमाओ निकले ये ट्रेन है ना ट्रेन का टाइम है हर दस मिनट के बाद तो छह बजे पहली ट्रेन ने बोल दिया है तो अगली ट्रेन कब आएगी छह दस छीस छ चालीस छह पचास सात सेवन टेन सेवन ट्वेंटी सेवन थर्टी सेवन फिफ्टी एट एट ओ क्लॉक के बाद अगली ट्रेन कब आएगी आठ बज के दस मिनट पर गाइज बंदा आ चुका था आठ बज के पांच मिनट पर आपने उसके हिसाब से कैलकुलेट किया आपने सोचा आठ पांच को आ गया आठ पांच को ट्रेन पकड़ लेगा और निकल लेगा मिनट में यानी पे पहुंच जाएगा और जान बुझ कर उसने वो ऑप्शन दिया है लेकिन दिस इज रॉन्ग वो ट्रेन वो पहुंच गया मतलब क्या है? ट्रेन उसके लिए आओ हुजूर आप ही का इंतजार था लिए रुकी है नहीं आठ बज के दस मिनट पर आई तो उसकी जर्नी गाइज आठ पांच को नहीं वो भले ही क्वेश्चन ने कहा वो आठ पांच को रेडी है पर ट्रेन तो आठ दस को आई है और पूछ रहा है कब पहुंचेगी स्टेशन एन पे तो ट्रेन के हिसाब से पहुंचेगी ना तो आठ दस में आंसर गाइज जो, तो जो कि करेक्ट आंसर था इस केस का ठीक है इस केस का अगर आप करेक्ट आंसर बोलो तो क्या था नौ बज के इलेवन मिनट गाइज कोई भी डाउट है किसी को भी तो बिंदास पूछो देख लो नौ बज के इलेवन मिनट ऑप्शन ए इज द आंसर आई होप अब आपको वो समझ गया होगा मतलब आगे भी अगर किसी के सारे आंसर गलत हो रहे तो क्यों हो रहा है आप समझ गया होगा अब वो आपने वो जड़ पकड़ ली अब आप बराबर सोचोगे कम ऑन नेक्स्ट इफ प्रिया इज रेडी टू बोर्ड अ ट्रेन एट टेन ट्वेंटी फाइव अगेन वो रेडी है लेकिन ट्रेन तो रेडी चाहिए ना ये आपको समझना है कितने बजे ट्रेन निकलेगी ठीक है फ्रॉम स्टेशन टी की बात हो रही है देन वेन इज द अर्लीस्ट दैट शी कैन रीच स्टेशन एस उसको जल्दी से जल्दी आपको स्टेशन एस पे पहुंचाना है कितना टाइम लगेगा यानी कितने बजे तक वो पहुंचेगी टेन ट्वेंटी चुकी है Guys, अब simple calculation है। आ जाओ फटाफट से हेन ट्वेंटी फाइव ठीक है शुरू करें ऑफिस से तो हम एक काम करते हैं पहले तो ये सब इरेज कर लेते हैं और आपको मालूम है कि यहाँ पे और तीन स्टेशन यहां पर है दो तीन तीन यहाँ पर है टी से निकली है यानी कि यहां से एस पे पहुंचना है अर्लीएस्ट आप उसको पहुंचा दो अब अर्लीएस्ट पता है क्वेश्चन ने क्यों बोला क्योंकि गाइज यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है ना यहाँ पे बेसिकली दो पॉसिबिलिटी है एक तो वो टी से ऐसा भी जा सकता है यानी पहले ईस्ट वेस्ट लाइन को पकड़ के फिर नॉर्थ वेस्ट सॉरी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ क्योंकि दोनों का खेल अलग है तो आपको दोनों को अलग अलग कंसिडर करना होगा तो पहले ईस्ट वेस्ट जाके फिर नॉर्थ साउथ पकड़े यानी कि एंटी ये एक पॉसिबिलिटी है या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि पहले वो टी स्टेशन से नॉर्थ साउथ वाली पकड़ के फिर ईस्ट वेस्ट जाए यानी क्लॉक वाइज तो गाइज ये जो मैंने नीले में किया है ब्लू में दैट इज क्लॉक वाइज और ये एंटी क्लॉक वाइज अब डिपेंड करेगा कि उसको सबसे ज्यादा इधर जाने से जल्दी ट्रेन मिल रही है या ऊपर जाने में ट्रेन जल्दी मिल रही है ये अब आपको देखना टर्मिनल स्टेशन से हिसाब तो से क्वेश्चन ने क्या बोला है आपको टर्मिनल स्टेशन के हिसाब से क्वेश्चन ने आपको क्लियरली बोला है कि अगर वो एक तो पी से जाके एक तो ये वाली ट्रेन पकड़ सकता है टी पे थोड़ी कोई ट्रेन खड़ी है ना टी पे तो यहाँ से एक जब ट्रेन आएगी रुकेगी तो वो उसमें बैठेगा तो ट्रेन तो यहाँ पे आ रही है यहाँ पे कब निकल रही है हर दस मिनट बाद तो छः बजे अगर यहाँ पे पहली ट्रेन निकली तो हर दस मिनट बाद सात आठ नौ दस दस तक ठीक है फिर अगली ट्रेन दस पच्चीस को पहुँचा था ना हरी हरी या प्रिया जो भी है ट्रेन ट्वेंटी फाइव को स्टेशन पर आ गया था या आ गई थी ठीक है तो अगर उसको गाइस पहली ट्रेन यहाँ से जो निकलेगी अगर वो दस बीस को निकली तो वो तो बहुत लेट हो जाएगा दस बीस को अगर निकली तो दस बीस को सोचो अगर वो टेन ट्वेंटी वाली ट्रेन पकड़े वो पहुंचा है यहाँ पे टेन ट्वेंटी फाइव को पहुंच चुका है दस बज के पच्चीस मिनट पर पहुंच चुका है तो अगर वो तो दस बीस को अपनी अगली ट्रेन पकड़े तो यहाँ से आने वाली ट्रेन त्रेन त्रेन दस बीस को अगर निकले तो देखो यहाँ पे दो दो दो, दो, दो आठ मिनट तो ये हो गया तो यानी टेन ट्वेंटी एट फिर एक मिनट यहाँ ब्रेक यहाँ ब्रेक यहाँ ब्रेक और दो मिनट यहाँ ब्रेक पाँच यानी गाइज ये ट्रेन यहाँ से पता है कब निकलेगी

टेन तो ट्वेंटी फाइव से लेकर टेन थर्टी थ्री आठ मिनट तो यही पे उसका टाइम वेस्ट हो गया यार टाइम वेस्ट हुआ है क्वेश्चन क्यों, क्यों ने क्लियर क्या कहा है कि कितना आप उसको पहुंचा सकते हो क्वेश्चन ठीक से पढ़ो प्रिया को हाउ इज द अर्लिएस्ट दैट शी कैन रीच द स्टेशन एस तो अर्लीएस्ट अगर पहुंचाना है दोस्तों तो डेफिनेटली यहां पे आठ मिनट बर्बाद हो रहे हैं उसके चलो यहां तो आठ मिनट बर्बाद समझ गए अब देखो अगर वो यहां से ट्रेन पकड़े तो पहले अगर आप पी स्टेशन से आने वाली ट्रेन पकड़ रहे थे तो वो टेन थर्टी थ्री को आ रही है आठ मिनट बर्बाद और अगर आप बी स्टेशन वाली यानी पहले अगर वो नॉर्थ साउथ जाकर ईस्ट वेस्ट करे तो चेक कर लेते हैं तो इस देख लो यहाँ पे हर पंद्रह मिनट बाद ये नॉर्थ साउथ है तो यहाँ हर फिफ्टीन मिनट बाद तो सवा सात आठ नौ दस फिर अगली ट्रेन आएगी दस पंद्रह को ठीक है अब आप बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों किया टेन ट्वेंटी वाली क्यों की हाँ पहले मैं ये डाउट भी क्लियर कर दूँ टेन टेन क्यों नहीं किया गई टेन टेन अगर हम करते तो देखो यानी एक दो तीन चार ये आठ मिनट यानी कितना हुआ टेन एटीन और फिर एक दो तीन और ये पाँच पाँच मिनट का ब्रेक यहाँ पे एक मिनट का ब्रेक, ब्रेक 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 और यहाँ दो मिनट का तो गाइस टेन ट्वेंटी थ्री को ट्रेन निकल लेती अगर वो दस दस वाली ट्रेन को पकड़ने की कोशिश कर रहा है ना दस बज के दस मिनट जो पी स्टेशन से निकल रही ईस्ट वेस्ट अगर उसको पकड़ना है उसको टी पे तो उसको टेन ट्वेंटी थ्री को वहां टच होना जरूरी था कम से कम टेन ट्वेंटी थ्री या उसके पहले लेकिन वो पहुंचा कब है दस बज के पच्चीस मिनट पे पहुंची प्रिया तो यानी टेन ट्वेंटी थ्री वाली ट्रेन तो तब तक निकल जाएगी समझ रहे हो ट्रेन तब तक निकल जाएगी टेन ट्वेंटी थ्री वाली क्योंकि वो टेन ट्वेंटी फाइव को आया इसलिए फिर अगली ट्रेन कब है टेन ट्वेंटी मैंने उसके हिसाब से कैलकुलेट किया जहाँ वो आठ मिनट लेट हो रहा है आठ मिनट उसका टाइम सॉरी आठ मिनट लेट नहीं हो रहा है आठ मिनट टाइम उसका बर्बाद हो रहा है ठीक है चलो गाइस नाउ आते हैं। अब यहाँ पे यहाँ पे देखो बजे ईस्ट वेस्ट में दो नॉर्थ साउथ में तीन ए क्वेश्चन ने क्लियर बोला है तो एक दो तीन तीन स्टेशन के बाद टी आ जाएगा तो तीन स्टेशन के बाद टी यानी थ्री मिनट इन टू थ्री स्टेशन नौ मिनट तो यहाँ हो गए और बाद में फिर यहाँ एक मिनट रुकेगा एक मिनट रुकेगा, रुकेगा यहाँ दो मिनट रुकेगा एक एक दो चार्टीन तो मिनट मिनट मतलब दस पंद्रह वाली जो ट्रेन है वो यहां कब पहुंचेगी दस बज के अट्ठाईस हालांकि प्रिया कब पहुंच चुकी थी दस पच्चीस को तो टेन ट्वेंटी फाइव को वो स्टेशन टी पे आ चुकी थी लेकिन ट्रेन जो लेटेस्ट ट्रेन आई वो टेन ट्वेंटी एट को आई मुझे बताओ अगर इधर वाली ट्रेन पकड़े तो आठ मिनट रुकना पड़ेगा उसको वेस्ट हो रहा है टाइम क्योंकि अगली लेटेस्ट ट्रेन इधर से कब आ रही है टेन थर्टी थ्री को लेकिन वही अगर इधर से देखे तो वो ट्रेन कब तो यहाँ पे तो कौन सा रूट बेस्ट है? ये वाला। ये वाला नहीं। आगे तो सब सेम है सिर्फ ये स्टार्टिंग का वेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर उसको अर्लीस्ट पहुंचाना है तो।, तो इतना तो फिक्स हो गया गाइस कि हम उसको किस रूट से लेकर जाएंगे हम उसको पहले इस रूट से यानी नॉर्थ साउथ फिर ईस्ट वेस्ट ये डायरेक्शन अब यहाँ पे तीन अदर स्टेशन है आपको मालूम है तो उगाइज चलो टेन ट्वेंटी फाइव को प्रिया आ गई थी उसको पहली ट्रेन मिली टेन ट्वेंटी एट को इस डायरेक्शन में तो तीन मिनट तो ये हो गए तीन मिनट तो ये हो गए प्लस अब देखो एक दो तीन चार चार स्टेशन है लेकिन कैसे है नॉर्थ साउथ तो चार इंटू थ्री क्योंकि तीन मिनट लगता है नॉर्थ साउथ में तो तीन मिनट प्लस चार इंटू थ्री फोर इंटू थ्री 12 मिनट ही हो गया नाउ अब यहाँ पे एक मिनट का ब्रेक एक मिनट का ब्रेक एक मिनट का ब्रेक दो मिनट का ब्रेक तीन और दो पाँच मिनट प्लस अब यहाँ से गाइज अब यहाँ पे वो कब पहुँचा पहले पहुंची देखो पहले टेन ट्वेंटी और उसके बाद ट्वेल्व एंड थ्री फिफ्टीन प्लस फाइव यानी कि भाई वो 10, समझ रहे हो ना एक दो तीन चार 12, ठीक है तो

ट्रेन पकड़ी तो तीन चार, चार स्टेशन के बाद और हर स्टेशन में तीन मिनट यानी मिनट लग गए यानी पांच ठीक है तो टेन तो फोर्टी फाइव को मिला उसको आर पे ट्रेन बराबर यानी टेन फोर्टी फाइव टेन वैसे देखे जाए तो टेन फोर्टी थ्री पे वो आर पे पहुंच गया था ना एक दो तीन मिनट का ब्रेक पकड़ो ट्रेन फोर्टी थ्री को वो आर पे पहुंच गया था अब आर पे जो ट्रेन रुक रही गई समझना आर पे जो ट्रेन रुक रही है वो ये वाली रुक रही है जो नॉर्थ साउथ में निकली है जो इधर जाने वाली है अब उसको ये ट्रेन से मतलब ही नहीं ना तो ये स्टेशन पे जो ये वाली ट्रेन रुकने वाली उसका दो मिनट काउंट मत करो ये एक मिनट डेफिनेटली उसको काउंट करना पड़ेगा क्योंकि अभी वो उसी ट्रेन में है अभी वो उसी ट्रेन में अभी वो उसी ट्रेन में जैसे वो आर पे टच हुई वो उतर गया अब वो ट्रेन दो मिनट रुके चाहे ना रुके प्रिया को मतलब नहीं प्रिया तो अपनी अब दूसरी ट्रेन पकड़ने निकली है जो इस डायरेक्शन में जाने वाली है जो इस डायरेक्शन में जाने वाली है। तो सिंपल सी बात है इसलिए हमने दो मिनट काउंट नहीं किया समझ रहे हैं आपको पूरी कहानी वापिस से बस ये क्वेश्चन समझ जाओ अगले क्वेश्चन और ईजी हो जाएंगे तो ये तो समझ गया आपको कि हमने यहाँ से जो ट्रेन फिफ्टीन को निकली थी जो यहाँ ट्रेन ट्वेंटी एट को पूछ रही वो ट्रेन पकड़ी फिर एक दो तीन तो एक दो तीन चार स्टेशन बारह गया होगा ट्रेन दो मिनट रुक कर इधर जाने वाली हमें अब उससे मतलब नहीं हमें देखना है यहां से जो ट्रेन आएगी वो प्रिया को कब मिलेगी तो गाइज यहाँ लेटेस्ट वाली जो ट्रेन है वो कब आएगी टेन प्रिया यहां पे कब पहुंची टेन फोर्टी थ्री को जिस ट्रेन से पहुंची वो दो मिनट वेट कर रही है बट प्रिया तो उतर गई है टेन फोर्टी थ्री को है ना टेन फोर्टी थ्री को उतर गई है अब यहाँ से वो जो ट्रेन आएगी गाइज वो हम टेन थर्टी की पकड़ ले टेन फोर्टी वाली तो बहुत तो ये हो जाएगी टेन फोर्टी वाली काफी डिले हो जाएगी टेन थर्टी की पकड़ो तो ये दो मिनट एक दो तीन चार अब वापस ईस्ट वेस्ट शुरू हुआ तो दो मिनट का ब्रेक तो ये हुआ एट कितना हुआ टेन थर्टी एट 1038 पे वो आर पे नहीं पहुंची क्योंकि एक मिनट यहाँ भी, रुकी, एक भी रुकी, एक है दो मिनट रुकेगी यानी टेन फोर्टी थ्री को बराबर अब आर से जाने के लिए रेडी वो इस डायरेक्शन में जिधर प्रिया को जाना है और प्रिया भी टेन फोर्टी थ्री में आर पे आ गई है और इसलिए गाइस क्वेश्चन की लास्ट लाइन याद है ना एजम्सन वाली एज्यूम दैट कि अगर पैसेंजर पहुंच रहा ट्रेन तो में टेन तो फोर्टी थ्री पे आ गई है वो, वो, वो उतरी और ये ट्रेन भी जो इस डायरेक्शन में टेन थर्टी को निकली थी यहाँ पे कब पहुंची थी टेन फोर्टी वन को दो मिनट ब्रेक हुआ टेन फोर्टी थ्री को निकलने को लिए रेडी प्रिया का यहाँ एक मिनट भी बर्बाद नहीं हुआ और अब प्रिया जा रही है यहाँ पे तो अब देखो एस पे आने के लिए रेडी प्रिया एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस तो दस स्टेशन अब उसको लगेंगे टेन इंटू टू ट्वेंटी मिनट रुकेंगे कितने एक दो तीन ये नौ स्टेशन है ट्वेंटी नाइन और यहाँ पे अब यहाँ पे क्यों रुक यहाँ का वेटिंग टाइम हम निकालेंगे नहीं एस आ गया ना उतर जाएगी प्रिया थोड़ी वेट करती है वेट तो ट्रेन करती है बट प्रिया को एस पे उतरना था तो प्रिया उतर गई तो बस ये नौ काउंट होगा तो गाइस ट्वेंटी नाइन अब देख लो टोटल पहले तो 10 25 को आ गई थी उसको ट्रेन मिली 10 28 को उसको ट्रेन मिली 10 28 को ये तीन मिनट पकड़ लो प्लस 10 28 से लेकर 10 43 यानी यहाँ पे इसको कितना टाइम लगा 28 से लेकर 43 तक गैस उसको कितना टाइम लगा 15 मिनट बराबर तो ये 15 मिनट टेन फोर्टी थ्री को उसको तुरंत अगली ट्रेन मिली जैसे मैंने कहा कि टेन फोर्टी थ्री को पहुंची और ट्रेन बराबर थ्री को निकलने के लिए रेडी थी यहां उसका टाइम वेस्ट नहीं हुआ प्लस मिनट तो कितना थर्टी फोर थर्टी फोर यस फोर्टी फोर एंड फोर्टी सेवन मिनट बराबर फोर्टी सेवन मिनट के बाद वो यहाँ होगी मतलब अगर आप ठीक से देखो तो दस पच्चीस में अगर उसने फोर्टी सेवन कर दिया गाइज 125 में तो 35 अगर ऐड कर दो तो ये तो एग्जैक्ट 11 हो गए प्लस 12 यानी 11 बज के 12 मिनट पर 11 बज के 12 मिनट पर वो पहुंचेगी अपने मंजिल पर तो पहला क्वेश्चन तो आ गया था दूसरा ऑप्शन डी गाइस 11 बज के 12 मिनट पर प्रिया पहुंची अपने मंजिल पर यानी कि स्टेशन जो बोला गया था क्वेश्चन ने एस तो ये सबसे चैलेंजिंग क्वेश्चन था मतलब ये केस डेफिनेटली गाइज अगर इसको सही टैकल कर लो ना ईजी थी जिसको थोड़ा सा ये कैलकुलेशन और ये सब थोड़ा करने के लिए चीजें बहुत ज्यादा थी इसमें याद रखने के लिए चीजें बहुत ज्यादा थी लेकिन उसमें भी जो पांच क्वेश्चन आए थे उसमें सबसे थोड़ा सा अगर देखे जाए तो क्वेश्चन ज्यादा टाइम देने वाला ये था क्योंकि आपको ये भी समझना था कि कौन सी ट्रेन पकड़े नॉर्थ वेस्ट वाली पहले पकड़े या ईस्ट वेस्ट वाली क्लॉक वाइज जाए या एंटी क्लॉक वाइज उसमें भी आपको देखना था कि कहाँ का वेटिंग टाइम पकड़ा जाए कहा का होल्टिंग टाइम नहीं पकड़ा जाए ठीक है तो यस उस हिसाब से आंसर बना नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे हम <coughs> अगला क्वेश्चन हरिप्रिया इज एक्सपेक्टेड टू रीच द स्टेशन एस लेट हरिप्रिया स्टेशन एस पे लेट आने वाली है वॉट इज द लेटेस्ट टाइम बाय शी मस्ट बी रेडी टू बोर्ड एट स्टेशन एस इफ शी मस्ट रीच स्टेशन बी बिफोर वन एम वाया स्टेशन आर तो हरी प्रिया स्टेशन एस पे लेट आने वाली है वॉट इज द लेटेस्ट टाइम बाई विच शी मस्ट बी रेडी टू बोर्ड एट स्टेशन एस ठीक है इफ शी मस्ट रीच स्टेशन बी बिफोर वन एम वाया स्टेशन आर तो उसको एस से बी में पहुंचना है वाया स्टेशन आर ठीक है टू रीच स्टेशन बी कहा से फ्रॉम एस से तो एस से अगर उसको बी में आना है और वो भी वाया आर और एक बजे के पहले पहले उसको पहुंचना है तो बताओ उसका लेटेस्ट टाइम क्या जहाँ पे वो एस में आ जाए वॉट इज द लेटेस्ट टाइम तो गाइज देख लो इस क्वेश्चन को अगेन पहले तो रूट को समझ लो रूट को समझ लो तो देख लो क्या बोला है स्टेशन एस से स्टेशन बी पे वाया आर मतलब ऐसा आना पड़ेगा अब यहाँ पे उसने टेंशन नहीं रखा नहीं तो आप आर पे तो यार बी पे ऐसा भी आ सकते थे है ना एस से इधर ले लिया फिर वी फिर टी फिर बी लेकिन उसने एक चीज तो क्लियर कर दी वाया स्टेशन आर तो वो टेंशन नहीं रहा अब एक बजे अगर उसको पहुंचना है तो अब देखो यार पहले टाइम कितना लगता है चेक कर लो एक बजे के पहले पहले अगर उसको पहुंचना है टाइम कितना लगता है देख लो सबसे पहले तो अगर वो अब यहां से ट्रेन पकड़ेगी तो यहां से देखो आप यहाँ से कितने बजे ट्रेन आनी चाहिए ठीक है उसके हिसाब से फिर आपको उसका क्योंकि हर ईस्ट वेस्ट यानी यहाँ से भी तो दस मिनट में हर दस मिनट में ट्रेन निकलेगी ना तो यहाँ से कौन सी ट्रेन वो यहाँ पकड़े तो बराबर फिर बरा, यहाँ पे उसको नॉर्थ वेस्ट वाली पकड़नी होगी ऐसे करते करते वो यहाँ पे आ जाए सेम लॉजिक का क्वेश्चन था आई होप इसको आप कर लोगे कुछ होमवर्क दे दिया जाए और आपको इसी लाइन एंगल में सोचना है कि कहाँ से वो यहाँ निकले बराबर पहुंचते पहुँचते पहुँचते कौन सी ट्रेन यहाँ से पकड़े भाई आर बोला है तो डेफिनेटली पहले तो वैसे ही जाना होगा फिर यहाँ पे उसको नॉर्थ वेस्ट वाली पकड़नी होगी ठीक है और इस हिसाब से वो एक के पहले पहुँचनी चाहिए आप ऐसे क्वेश्चन को विद ऑप्शन तो भी जा सकते हो या फिर आप जो भी ऑप्शन दिए हैं वो टैकल कर सकते हो ठीक है क्वेश्चन आई होप आप एक बार ट्राई कर लेना अब मैं बढ़ता हूं आखिरी के दो टीटा क्वेश्चन पे जो इस पे आया था ठीक है वॉट इज द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रेन दैट आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द सर्विसेज ऑन ए बी लाइन ए बी लाइन पे कितने मिनिमम नंबर मिनिमम नंबर ऑफ ट्रेन की भाई इतना तो चाहिए ही चाहिए जिससे फंक्शनिंग ना रुके एकदम स्मूथ फंक्शनिंग हो जो हमने बोला है कि हर 10 मिनट के बाद ट्रेन जाएगी अब ए और बी क्या है नॉर्थ साउथ uh, है तो 10 मिनट भी नहीं यहाँ हर 15 मिनट बाद ट्रेन जाएगी तो भाई कितनी मिनिमम नंबर ऑफ ट्रेन हो कि हर पंद्रह मिनट बाद कोई ना कोई ट्रेन अवेलेबल पैसेंजर को दिखे ही दिखे

चार पाँच छः सात आठ नौ दस तो दस स्टेशन तो ये और हर स्टेशन पे तीन नॉर्थ साउथ है भूलो मत तो नॉर्थ साउथ में तीन मिनट लगता है हर स्टेशन पे आने के लिए थर्टी मिनट तो ये हो गए और वेटिंग टाइम एक दो तीन चार पाँच छः सात अदर स्टेशन का सात वेटिंग टाइम प्लस जंक्शन स्टेशन दो है तो एक पे दो मिनट तो ऐसे चार तो गाइज ये कितना हो गया फोर्टी मिनट बराबर फोर्टी One minute. मतलब यहां से जो ट्रेन निकलेगी वो यहां पर बराबर 41 minute पे आ जाएगी, मतलब minute. But, but, 15 minute reverse जाने से पहले, ने बोला है ना कि कोई भी ट्रेन एक बार अपने टर्मिनल पॉइंट पे पहुंच जाए तो रिवर्स जर्नी स्टार्ट करने से पहले कम से कम पंद्रह मिनट का ब्रेक लेगी कम से कम तो गाइज अगर मैं पंद्रह ऐड कर दूँ, तो छे बज के छपन मिनट सिक्स को वो रेडी है उधर जाने के लिए लेकिन गाइस आपको मालूम है ऐसे रैंडमली कभी भी ट्रेन नहीं जा सकती उसने हर पंद्रह मिनट के मल्टीपल में जाना है तो सिक्स फिफ्टी सिक्स को निकल सकती नहीं तो चार मिनट और हॉल्ट कर लेगी क्योंकि उसने क्या बोला है पंद्रह मिनट का एटलीस्ट हॉल्ट चाहिए उससे ज़्यादा चलेगा तो गाइस यानी सात बजे इस वाले रूट पे एक बार छः बजे ट्रेन यहाँ से यहाँ आई तो वही ट्रेन निकलने के लिए कब रेडी है सेवन यानी गाइज़ तब तक एक घंटे के लिए आपको कितनी ट्रेन मैनेज करनी होगी अगर हर एक घंटे में आप हर पंद्रह मिनट में एक ट्रेन निकाल रहे हो तो छह बजे वाली ट्रेन रेडी चाहिए जो हमारे हाथ में वापस यहां पे कब आएगी सात बजे ठीक है फिर साढ़े सवा छ बजे वाली ट्रेन भी रेडी चाहिए हर पंद्रह मिनट बाद साढ़े छोर्टी फाइव ठीक है गाइज क्या सात बजे हमारे लिए और एक फ्रेश ट्रेन चाहिए नहीं क्योंकि यार आप सोचो जो ए से बी छत बजे निकल रेडी है तो ट्रेन जा रही है तो वो भी तो यहाँ सात बजे रेडी है ना यानी सात बजे वाली ट्रेन हमें नई नहीं, नहीं चाहिए न्यू ट्रेन इज नॉट रिक्वायर्ड जो पुरानी ट्रेन बी टू ए आने वाली है वही ट्रेन सात बजे रेडी एंड साइकिल रिपीट सवा तो सात को कौन सी वाली ट्रेन रेडी हो जाएगी ये वाली जो सवा छः को यहाँ से निकली है साढ़े छः को जो निकली है यहाँ से वो यहाँ साढ़े सात बजे रेडी होगी सेम वैसे वर्षा जो यहाँ छः बजे निकल रही है सात बजे रेडी जो सवा छः को निकल रही है सवा सात को रेडी समझ रहे हो तो गाइज ये चार ट्रेन हमें फ्रेश चाहिए छः बजे वाली सवा छः वाली साढ़े छः और साढ़ सिक्स फोर्टी फाइव वाली लेकिन ये चार ट्रेन तो क्या हुआ सिर्फ ए टू बी यानी नॉर्थ टू साउथ साउथ टू नॉर्थ बी टू ए भी तो चार चाहिए ना सेम फोर प्लस फोर एट इज द आंसर तो गाइज क्वेश्चन में टीटा आंसर क्या दिया था आपको एट क्वेश्चन का जो टीटा आंसर वाला था वो एट है और उसी लॉजिक पे अब अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रेन दैट आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द सर्विस इन दिस सिटी तो ये सिटी में अगर हमें सर्विस देनी है तो कितनी मिनिमम नंबर ऑफ ट्रेन लगेगी तो यार एक चीज तो आपको समझ गई अब नॉर्थ और साउथ ये डायरेक्शन को आप समझ चुके हो मुझे बता नॉर्थ साउथ में ए टू बी बी टू ए इसको स्मूथ मैनेज करने के लिए कितनी ट्रेन लगेगी आठ जो चार यहाँ से निकलेगी हर पंद्रह मिनट में चार यहाँ से निकलेगी हर पंद्रह मिनट में और वही आठ ट्रेन अब पूरे दिन सर्विस देती रहेगी क्योंकि छः बजे वाली सात बजे से यहाँ से निकलेगी फिर अब हम नई ट्रेन नहीं लगेगी जो यहाँ से छः बजे निकली वो सात बजे वहाँ से वापस रेडी रहेगी सिर्फ पहली चार ट्रेन हमें ए पे चाहिए और चार ट्रेन बी पे यानी इस लाइन पे आठ तो उसी तरह गाइस सेम यहाँ पर भी आठ लाइन हो गई अब इस बार हमें सिर्फ ए टू बी नहीं बोला है एंटायर बोला है तो यार देखो यहाँ पे एट सेम थॉट प्रोसेस ईस्ट वेस्ट के लिए करो खत्म तो देख लो अगर छह बजे यहाँ पे निकल रही है एक दो तीन ये हमने काउंट किया ही था ये कितने आए थे ट्वेंटी स्टेशन थे ना कम से कम चार ये दस यस yes, ट्वेंटी स्टेशन है ट्वेंटी अब ये ईस्ट वेस्ट है तो यार दो मिनट ब्रेक होता है मतलब दो मिनट में अगला स्टेशन आता है तो चालीस मिनट ये हो गए फोर्टी मिनट फिर एक दो तीन एंड नाउ नाइन ट्वेल्व ट्वेल्व एंड सेवनटीन सेवनटीन अदर स्टेशन का होल्टिंग फिर यहाँ पे अदर स्टेशन सॉरी जंक्शन स्टेशन भी दो है उसका चार मिनट यानी कितना होगा इस फोटी ट्वेंटी यानी सिक्सटी वन सिक्सटी वन तो सिर्फ ये रीच हुआ है फिर पंद्रह मिनट कम से कम पंद्रह मिनट का होल्टिंग मतलब सिक्सटी सिक्स मिनट का इस सिक्सटी सिक्स अब सिक्सटी सिक्स मिनट मतलब एक घंटा छः मिनट के बाद बट रैंडमली थोड़ी निकलेगी ना कम से कम उसने सत्तर मिनट का ब्रेक लेना है कम से कम तो सॉरी सिक्सटी सिक्स नहीं है सेवनटी सिक्स सिक्सटी वन तो वो ची पंद्रह मिनट हॉल्ट यानी इन दोनों का एडिशन 76 सिक्स होता है सिक्सटी सिक्स नहीं सिक्सटी सिक्स पे लेकिन कोई भी ट्रेन रेंडमली नहीं निकल सकती है ना ईस्ट वेस्ट है हर दस मिनट में तो और चार मिनट का ब्रेक एटलीस्ट पंद्रह मिनट लेना है ज्यादा ले सकती है तो एटी मिनट यानी गाइस यहाँ से जो ट्रेन गई वो 80 मिनट बाद बिल्कुल रेडी वापस आने के लिए तो 80 मिनट तक हमें मैनेज करना है सेम यहाँ से जो ट्रेन आएगी वो 80 मिनट बाद रेडी वापस जाने के लिए मतलब 80 मिनट तक हमें दोनों एंड पे मैनेज करना है और 80 मिनट और हर 10-10 मिनट में गाइस हर 10-10 मिनट में अगर ट्रेन जा रही है तो एटी मिनट में हमें कितनी न्यू ट्रेन लगेगी एट है ना आठ ट्रेन 6, 6, 10 को छस छह तीस छालीस छः पचास सात सेवन टेन सेवन ट्वेंटी रहे हो? तो यहाँ तक हमें ट्रेन लगेगी क्योंकि एटी मिनट तक वो ट्रेन हमारे हाथ में नहीं आएगी जो गई है वो तो वापिस तो 80 मिनट बाद हाथ में आएगी तो ये जो एटी मिनट का स्पैन है हर दस मिनट में हमें ट्रेन छोड़नी है तो आठ ट्रेन यहाँ चाहिए आठ ट्रेन यहाँ चाहिए मतलब सिक्सटीन इस वाले जंक्शन पे और 16 इस वाले लाइन पे तो टोटल कितनी ट्रेन गई सिक्सटीन सिक्सटीन थर्टी टू एंड एट फोर्टी टोटल ट्रेन अगर उस सिटी को स्मूथली चलाना है तो हमें चाहिए नॉर्थ साउथ के दो लाइन पे दो ट्रैक पे आठ आठ इंच एंड ईस्ट वेस्ट के दो लाइन पे यानी पेट आई होप आप क्लियर हो तो ये केस था और आई डोंट थिंक कि अब जो एक ट्वेंटी थ्री एक्सपेरेंट भी अगर कोई ये वीडियो देख रहा होगा तो उसको भी नहीं समझा होगा हंड्रेड परसेंट इतने बेस से और इतने स्क्रैच से मैंने बताया ठीक है यार ये तो शुरुआत है मैं तो बोल रहा हूँ फाउंडेशन बैच देखना इतने बेसिक और स्क्रैच से हम लेंगे कमॉन गाइज एनी वेज और एक केस रही है तो हमारी तीन केसेस हुई है नाउ लास्ट केस और मैं मानूंगा कि इन सारी केस में जो लेंदी केस थी टफ तो मैं फिर भी नहीं बोलूंगा टफ तो फिर भी नहीं बोलूंगा लेकिन जो थोड़ी सी लेंदी केस थी वो एक तो ये थी या फिर नेक्स्ट है पहली दो केस थोड़ी डुएबल थी मैंने एक्सप्लेन किया इसलिए इतना टाइम लगा खुद करते तो हार्डली दस मिनट में बन जाती है पांच क्वेश्चन जेब में थे पहली केस के तो अगली केस के पंद्रह मिनट में पांच क्वेश्चन जेब में दस क्वेश्चन मतलब मोर देन नाइनटी नाइन पॉइंट फाइव परसेंट है यार इसके ऊपर अगर इसका एक दो भी कर लो तो मतलब तो वारे नहीं रहे ठीक है तो यस गाइज बस देख लो एक बार और जो होमवर्क किया उसको सॉल्व करना थॉट प्रोसेस देना शुरू करते लास्ट केस इसकी कम ऑन गाइज रेडी हो ना तो यस होना चलो बढ़ते अगली केस की ओर तो अगली केस और लास्ट केस है इस लॉट टू की अगेन थोड़ी सी लेंथी केस है गाइस आ जाओ फटाफट से तो यस देर आर फिफ्टीन गर्ल्स एंड सम बॉयज अमंग द ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स इन अ क्लास तो गर्ल्स तो डायरेक्टली बोल दिया है भाई गर्ल्स तो फिफ्टीन बोल दिया एंड सम बॉयज बॉयज कितने हैं नहीं पता आप कुछ भी एज्यूम कर लो नाउ दे आर प्लानिंग अ गेट टूगेदर विच कैन बी इधर वन डे इवेंट और टू डे इवेंट और थ्री डे इवेंट ठीक है गेट टूगेदर जो इन वन डे टू डे या थ्री डे इवेंट में से कुछ भी हो सकता है इससे ज्यादा कुछ नहीं देर आर सिक्स सिंगर्स इन द क्लास फोर ऑफ देम आर बॉयज तो गाइज देखो सिंगर में से उसने आपको बोल दिया है कि सिक्स सिंगर है सिंगर टोटल कितने हैं सिक्स बराबर तो उसमें से अगर क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है एक सेकंड इसको थोड़ा यहाँ लिख लेता हूं अच्छा, इसको हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेंगे देख लो ये अगर मैं यहाँ पे सिंगर अगर मैं यहाँ पे यहा, आगे क्वेश्चन ने डांसर भी बोला है यहाँ बॉयज एंड गर्ल्स ले लूँ तो सिक्स सिंगर इन क्लास सिंगर में सिक्स उसमें से फोर ऑफ देम आर बॉयज कितनी हो गई गर्ल्स हो गई टू

सिंगिंग कर सकते हैं ऐसे भी तो होंगे ना जो नॉन डांसर नॉन सिंगर्स हो तो यस yes, उसकी बात क्वेश्चन आगे कर रहा है गाइस देखो उसने क्लियर बोल दिया है कि नो डांसर इन द क्लास इज अंगर अच्छा ये बात तो बहुत अच्छी है कि डांसर और सिंगर का सेट उसने अलग अलग रखा है ऐसा इंटरसेक्शन नहीं है कि भाई दो बच्चे ऐसे जो डांस और सिंगिंग दोनों कर सकते हैं मतलब मेरी तरह तो मेरी तरह वहाँ पे एक भी नहीं है तो एनी वेज गाइज कोई दिक्कत नहीं कर लेंगे यार क्या बड़ी बात है और आपको ये भी बोला है कि गर्ल्स फिफ्टीन है बॉयज कितने नहीं पता चलो द फॉलोइंग फैक्ट अच्छा हमने कहा तक पड़ा यहाँ तक ओ हो ये और है सम स्टूडेंट आर नॉट इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग गेट टूगेदर अच्छा मतलब वन डे इवेंट टू डे इवेंट थ्री डे इवेंट के अलावा भी एक पॉसिबिलिटी है नो no इवेंट मतलब जिनको इंटरेस्ट ही नहीं है ठीक है नॉट इंटरेस्टेड नॉट इंटरेस्टेड इन गेट टूगेदर दो स्टूडेंट हुर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग थ्री डे इवेंट आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग टू डे इवेंट अच्छा वो बोल रहा है जो थ्री डे इवेंट में इंटरेस्टेड है ना वो बाई डिफॉल्ट टू डे इवेंट में है गाइस अगर आप इसको वेन डायग्राम सिलोजिज्म से समझो यानी ऑल एक्स आर वाई याद है ना ऑल एक्स आर वाई की वेन डायग्राम ऐसी होती थी अब जो कैट दे चुके यार इतनी प्रिपरेशन तो कर ही चुके होंगे तो ऑल एक्स आर वाई यानी जितने एक्स है सारे के सारे वाई भी है हाँ वाई में ऐसे लोग बहुत है जो एक्स नहीं है जैसे मैं मान लू कि ऑल मेल आर ह्यूमन बींग एक्स को मैं अगर मेल मान लू वाई ह्यूमन बींग तो सारे मेल ह्यूमन बींग है बट सारी ह्यूमन बींग क्या मेल है नहीं फीमेल भी तो होती है उसी तरह बोल रहा है कि वो सारे लोग थ्री डे इवेंट के लिए इंटरेस्टेड है।, मतलब है, तो है, तो है ही लेकिन ऐसे भी और भी कोई बच्चे है जो सिर्फ टू डे के लिए है ठीक है जो थ्री डे में नहीं है बट टू डे के लिए इंटरेस्टेड बट थ्री डे वाले तो सारे टू डे में इंटरेस्टेड है एंड इंटरेस्टेड इन टू डे इवेंट आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन वन डे इवेंट अच्छा

बॉय no हमें टोटल गर्ल्स भी मालूम है फिफ्टीन और बॉयज नहीं मालूम ठीक है अगर मैं यहां पे गाइज ऐसे लिख लू वन डे या थ्री डे टू डे वन डे एंड नो इवेंट ठीक है जो जिनको इवेंट ही नहीं चाहिए वो भी पॉसिबिलिटी है ना ठीक है यहां पे हम ले ले बॉयज यहां पे ले ले गर्ल्स और इसमें भी दो पॉसिबिलिटी याद है फ्रीक्वेंसी एक इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी ठीक है और एक क्यूमिटी क्यूमिटी मतलब क्या टोटल टोटलिटी मतलब ही टोटल इंडिविजुअल इंडिविजुअल मतलब सिर्फ वो बच्चे जो थ्री डी के लिए इंटरेस्टेड है वो बच्चे जो टू डेज के लिए इंटरेस्टेड है ओनली टू डेज ओनली वन डे लेकिन क्यूमिटी में क्या आएगा जो थ्री डे के लिए इंटरेस्टेड है जैसे मैंने कहा मान लो पांच बच्चे ठीक है पांच बच्चे इंटरेस्टेड है थ्री डी के लिए तो टू डे के लिए तो बाय डिफॉल्ट वो है ही ना और मान लो टू डे के लिए चार और इंटरेस्टेड तो इन दोनों की टोटल नाइन पांच बच्चे जो थ्री के लिए है वो टू के लिए है ही और चार जो सिर्फ टू के लिए ऐसे मिला के नाइन टोटल टू डे के लिए इंटरेस्टेड बच्चे अब वन डे के लिए मान लो सात बच्चे इंटरेस्टेड है जस्ट मान लो तो नौ बच्चे जो इंटरेस्टेड है टू डे के लिए क्वेश्चन ने क्या बोला है जो टू डे के लिए इंटरेस्टेड है वो वन डे के लिए बाय डिफॉल्ट है प्लस ये सात बच्चे जो सिर्फ वन डे के लिए यानी सिक्स बच्चे ऐसे मतलब हम क्या कर रहे हैं एडिशन ये तो क्यूमिटी फ्रीक्वेंसी होती है फाइव प्लस फोर नाइन ये चीज छोटी छोटी बातें समझना जरूरी था मेजोरिटी स्टूडेंट को तो यहाँ टेबल का स्ट्रक्चर भी नहीं क्लिक होता है जिनको हो जाता है ये छोटी बातें नहीं समझती इसलिए ये केस थोड़ी सी लेंदी बोलो या थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड जरूर थी तो यार ये हो गया टोटल जस्ट एग्जाम्पल वो बच्चे जो इंटरेस्टेड है डे इवेंट के लिए सिक्सटीन सिक्सटीन में सात वो बच्चे जो सिर्फ डे के लिए है, और नाइन वो बच्चे जिनको टू डे थ्री डे सब चलता है इन नाइन टू डे वाले में जो टोटल टू डे के लिए इंटरेस्टेड है वो उसमें से चार सिर्फ टू डे वाले हैं और पांच ऐसे बच्चे जिनको थ्री डे भी चलता है लाइक दैट ठीक है तो यस गाइस हम इस तरह से एक बेसिक ढांचा बना लिए तो ये इंडिविजुअल टोटल इंडिविजुअल टोटल चलो और ये हमने लिख दिया सारे पॉसिबिलिटी थ्री डे इवेंट टू डे इवेंट वन डे इवेंट एंड नो इवेंट ठीक है तो ये बॉयज इंडिविजुअल और ये टोटल इंडिविजुअल टोटल नाउ चलो बढ़ते हैं ये एक बेसिक ढांचा बना अब क्वेश्चन थोड़ा सा इजी लगेगा क्योंकि मैंने कहा ना जब टेबल सामने बनता है तो चीजें थोड़ी खुद क्लैरिटी आना शुरू हो जाती है नाउ ऑल द गर्ल्स एंड एटी परसेंट ऑफ द बॉयज आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग वन डे इवेंट ऑल द गर्ल्स जितनी भी गर्ल्स है टोटल गर्ल्स कितने में बोल दिया है फिफ्टीन तो वो इंटरेस्टेड है ऑल द गर्ल्स आर इंटरेस्टेड फॉर वन डे उसमें से कोई गर्ल्स ऐसी भी होंगी जो सिर्फ वन डे के लिए है सिर्फ टू डे के लिए सिर्फ थ्री डे के लिए है

यही रिलेशन है ना इंडिविजुअल एंड क्यूमिटी का फ्रीक्वेंसी का तो वो चीजें बेसिक बेसिक स्टैटिस्टिकल बातें भी यहाँ पता होना जरूरी थी इसलिए ये केस सबसे आखिरी में ले आओ क्योंकि सबसे चैलेंजिंग है पिछली वाली केस वास्ट जरूर थी लेकिन थी समझने के लिए इजी तो गाइज उसने बोला है एटी परसेंट आर इंटरेस्टेड फॉर वन डे एंड सिक्सटी परसेंट फॉर टू डे तो अगर यहाँ सिक्स एक्स है यहाँ एट एक्स है तो डेफिनेटली यहाँ कितना आएगा टू एक्स क्योंकि ये दोनों की एडिशन तो यहाँ जाएगी ना इन दोनों की एडिशन वहां जाएगी तो गाइज यहाँ पे आ गया एट एक्स देख लो ठीक है नाउ आगे बढ़ते हैं टोटल तो कितना होना चाहिए टेन एक्स ठीक है टोटल तो टेन एक्स आएगा यहाँ पे टोटल इवेंट मतलब ये सब मिला के ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, प्लस ये यहाँ पे टेन एक्स आएगा

क्वेश्चन बोल रहा है कोई कोई गर्ल्स ऐसी हैं जो वन डे इवेंट के लिए इंटरेस्टेड है लेकिन टू डे के लिए नहीं पॉसिबिलिटी है ये तो हमें मालूम ही है ये तो मालूम ही है एंड सम ऑफ द अदर गर्ल्स आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग बोथ ये भी पॉसिबिलिटी मतलब गाइज ये सेकंड पॉइंट इज इर कोई मतलब नहीं उसका ये बातें ऑलरेडी यहाँ क्लियर हो ही गई है कि कोई गर्ल्स ऐसी भी है जो सिर्फ वन डे में इंटरेस्टेड है तो कोई गर्ल्स ऐसी भी जी हो जो टू डे साथ में वन डे दोनों में इंटरेस्टेड है ठीक है सेम फॉर बॉयज तो दिस इज इन इिलिवेंट एक्स्ट्रा जस्ट डराने के लिए लेंथ बढ़ाने के लिए

ये नो डांसर एंड नो सिंगर है पार मतलब नो no, ये अगर 70 है तो डेफिनेटली थर्टी परसेंट क्या होंगे वो जो सिंगर या डांसर है वो जो सिंगर या डांसर है तो गाइज सिक्स एक्स का थर्टी परसेंट क्या हुआ वन पॉइंट एट एक्स सिक्स एक्स का थर्टी परसेंट क्या हुआ वन पॉइंट एट एक्स क्वेश्चन ने क्लियर बोला है टूडे इवेंट के लिए जितने बच्चे इंटरेस्टेड है उसमें सेवेंटी परसेंट बच्चे इज नॉट इंटरेस्टेड फॉर सेवेंटी परसेंट ऑफ द स्टूडेंट आर नॉट नीदर डांसर नॉर सिंगर तो सत्तर नहीं मतलब तीस परसेंट तो है ना तो इसका तीस परसेंट कितना वन पॉइंट एट एक्स वो बच्चे ऐसे हैं जो सिंगर या डांसर है बट गाइज सिंगर डांसर मेल फीमेल बॉयज गर्ल्स बच्चे स्टूडेंट ये सब क्या होते हैं ये इंटीजर में होते हैं ये कभी भी राउंड फिगर ही होंगे हमेशा इंटीजर में ही होंगे डेसिमल में नहीं तो हम बोलेंगे 1.8x ये डेफिनेटली एक इंटीजर वैल्यू देगा और 1.8x की पहली इंटीजर वैल्यू कब मिलेगी नाइन जब एक्स की वैल्यू हम फाइव ले एक्स वन लो टू लो थ्री लो फोर लो कितना मिल रहा है वन पॉइंट एट फाइव टू थ्री पॉइंट सिक्स फाइव पॉइंट फोर सेवन पॉइंट टू पहली वैल्यू कब मिल रही है हमें नाइन जब एक्स फाइव है या फिर एटीन ट्वेंटी सेवन बट गाइज आप देखो हमारे पास टोटल सिंगर डांसर है कितने हमारे पास टोटल कितने हैं सिंगल आपको सिंगर बोला है या डांसर बोला एक बार चेक कर लो सेवेंटी स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन टूडे इवेंट आर नीदर सिंगर नॉर डांसर तो हमारे पास टोटल बॉयज जो सिंगर या डांसर ये पूरी डेटा किसके लिए है बॉयज के लिए है तो गाइस क्वेश्चन ने हमें जो बोला है उसमें सिंगर या कि बॉयज कितने हमारे पास टेन ही है ना तो बॉयज की बात चल रही तो गर्ल्स को फिलहाल इग्नोर करो और बॉयज में भाई टेन ही है हमारे पास तो मुझे बताओ अगर आप एटीन ले सकते हो अगर मेरे पास मुझे पता है कि मेरे पास मेरे क्लास में दस ही बच्चे ऐसे जो सिंगर या डांसर है तो मैं कैसे बोल दूं कि वो बच्चे जो टू डी टू डे इवेंट के लिए इंटरेस्टेड है वो उसमें से 18 सिंगर या डांसर होंगे 27 सिंगर या डांसर होंगे सिंगर या डांसर कुल मिला के मेरे पास 10 है टोटल मेरे पास 10 है बॉयज की बात अगर हम करें क्यों क्वेश्चन बाइज बॉयज की बात कर रहा है तो गाइज ये एटीन ट्वेंटी पॉसिबल ही नहीं मतलब डेफिनेटली नाइन उसके हिसाब से एक्स की वैल्यू क्या बनी फाइव और अगर 1.8x अगर 9 है एक्स में 5 मिला तो गाइज ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई अगर x 5 मिला तो 5 इन एक्स फाइव इंटू सिक्स कितना हुआ? ये 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 हो जाएगा आपका ठीक है ये ये तो इन हम और अब जो देखो टोटल ने हमें बोल दी थी टोटल हमें कितना बोल दिया था क्वेश्चन ने फिफ्टी लेकिन बॉयज नहीं बोला था हमने टेन माना मारा तो टोटल टेन हुआ जो आखिरी में आता ही है उसका एटी परसेंट वनडे इवेंट के लिए ठीक है उसका फोर्टी परसेंट सिक्सटी परसेंट टू डे इवेंट के लिए यहां तक आया था फिर जितने टू डे इवेंट के लिए इंटरेस्टेड उसमें से तीस परसेंट बच्चे ऐसे जो तीस परसेंट बॉयज की बात चल रही है ठीक है तो बॉयज़ ऐसे जो सिंगर या डांसर है लेकिन टोटल सिंगर या डांसर टेन ही है तो डेफिनेटली जो भी आंसर आएगा इसका तीस परसेंट यानी वन पॉइंट एटेक्स ये दस से कम आएगा लेकिन दस से कम ही आना चाहिए साथ में इंटीजर भी आना चाहिए तो ऐसी एक ही पॉसिबल वैल्यू नाइन ठीक है दस से ज़्यादा में तो बहुत पॉसिबिलिटी है नाइन का मल्टीपल लेकिन एक ही पॉसिबल वैल्यू जो इस बात को सेटिस्फाई करेगी कि टोटल है ही दस तो उससे ज़्यादा बच्चे कैसे इंटरेस्टेड होंगे ठीक है तो यस गाइज नाइन अगर मैं ले लूँ तो एक समय फाइव मिला इस हिसाब से सारा लॉजिक बन गया अब हमारा देख लो यह आएगा सिक्स इंटू फाइव थर्टी फिर यहाँ पे आया फोर्टी एट एक्स यहाँ पे फिफ्टी और डेफिनेटली ये कितना आएगा टेन थर्टी प्लस टेन यहाँ पर भी कितना आएगा टेन

60 girls जो के 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 लिए 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 कितनी कितनी हमें हमें नहीं हमें नहीं मालूम, मालूम तो उस 60 neither singer nor dancer है। तो उसमें से अगेन बिल्कुल इस condition की तरह अब मैं बोल सकता हूँ अगर मैं इतने पार्ट को हटा दूँ वापिस से जो पार्ट हमने अभी बॉयज के लिए लिखा था गाइज सेम चीज हम गर्ल्स के लिए करेंगे ठीक है सेम चीज तो टोटल सिंगर या डांसर उसने बोला है गर्ल्स के लिए सिक्सटी परसेंट ऑफ द टोटल टू डे इवेंट के लिए इंटरेस्टेड जो है उसमें से नीदर गर्ल्स है नॉर बॉयज है तो फोर्टी परसेंट यानी नीदर गर्ल्स नीदर डांसर सॉरी नीदर गर्ल्स नीदर नॉर बॉयज नहीं नीदर डांसर नॉर सिंगर ऐसे कितने हैं सिक्सटी परसेंट किस कैटेगरी में यहाँ तो फोर्टी परसेंट डेफिनेटली क्या होंगे इधर डांसर और सिंगर डेफिनेटली अगर ये इंटीजर हमें लाना है तो मैं यहाँ पे टेन एक्स या फाइव एक्स या ट्वेंटी एक्स कुछ भी एज्यूम कर सकता हूं तो चलो मैं फाइव एक्स ले लेता हूं ठीक है अगर मैंने फाइव एक्स लिया गाइज अब इसका एक्स का मैटर क्लोज हो गया अब ये एक्स को भूल जाओ अब ये नया एक्स आया है या फिर अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो उसको वाई ले लो सिंपली तो इसको अगर मैं फाइव वाई ले लू ठीक है इसको अगर मैंने फाइव वाई ले लिया गाइज इसका फोर्टी परसेंट इसका फोर्टी परसेंट मतलब कितना टू आय ठीक है तो इसका फोर्टी परसेंट मतलब टू वाई बच्चे क्या है इस कैटेगरी में जो टू डे इवेंट के लिए इंटरेस्टेड है वो इधर डांसर या सिंगर गर्ल्स है गर्ल्स टोटल गर्ल्स हमारे पास डांसर सिंगर कितनी है सिक्स ठीक है उसमें से डेफिनेटली यहाँ पे क्या आ सकता है जो टू का मल्टीपल हो यानी टू आ सकता है क्योंकि इंटीजर चाहिए ना हमें सिर्फ तो एक तो टू आ सकता है फोर आ सकता है या सिक्स आ सकता है छे की ठीक है तो हम आगे देख लेंगे तो फिलहाल तो ये फाइव आय है और ये टू आई है अब देख लो गाइस आगे बढ़ते हैं नो गर्ल्स इज इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग नो सिंगर एंड टू डांसर आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग थ्री डे इवेंट अच्छा बॉयज में क्या बोला है ऑल मेल सिंगर एंड टू डांसर तो थ्री डे इवेंट के लिए गाइज ऑल मेल सिंगर मेल सिंगर मतलब क्या बॉयज टू डांसर ये जो छः है उसमें से दो डांसर तो सारे मेल सिंगर यानी कि चार और जो भी डांसर है उसमें से दो तो भाई मुझे बताओ तो मैं ऐसे लिख दूं चार सिंगर एंड दो डांसर मतलब सर छे बच्चे ऐसे जो इंटरेस्टेड है थ्री डे इवेंट के लिए नहीं वो तो ये तो सिर्फ वो है जो डांसर और सिंगर है ऐसे भी तो होंगे ना जो नॉन डांसर नॉन सिंगर होंगे तो अगर आपको बोले कितने बॉयज इंटरेस्टेड है थ्री डे इवेंट के लिए अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होगा तो सिक्स बोल मत देना six तो पक्का है और और भी कुछ प्लस हो सकते हैं जो सिक्स है उसमें से पक्का चार मेल डांसर है और चार सॉरी सिंगर है और दो डांसर है ये बॉयज की बात हो रही है चलो गाइज आगे बढ़ते हैं ठीक है ये हुआ और द लास्ट लाइन गाइज जो अब इस बच्ची केस को सॉल्व कर देगी नंबर ऑफ सिंगर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग टूडे इवेंट इज वन मोर दैन नंबर ऑफ डांसर अटेंडिंग टूडे इवेंट गाइज टूडे इवेंट जो है हमारे पास इसमें जो है वो एक से ज्यादा ऑफ डांसर अब guys मुझे बताओ नंबर ऑफ सिंगर ऑलरेडी यहाँ पे चार है और आपको मालूम है कि क्यूम्यूलिटी होके आगे आ गया रहा है क्यूम्यूनिटी होके आगे आ गया रहा है मतलब यहाँ पे कम से कम चार सिंगर तो पक्का रहेंगे अगर यहाँ ये चार सिंगर और दो डांसर क्वेश्चन बोला है ना कि यहाँ पे चार सिंगर है दो डांसर है तो अगर ये चार सिंगर यहाँ पे है टू डे इवेंट में और गाइज हमें मालूम है कि यहाँ पे नाइन सिंगर टोटल चाहिए टोटल डांसर एंड ये कितने चाहिए हमें नाइन चाहिए ना भूल तो नहीं गए ना याद है ना यहाँ पे 1.8x आया था 60% में से 30% परसेंट यानी यहाँ पे जो हमने लिया था 6x उसका 30% जो कि कितना आया था 1.8x ये क्या है सिंगर या डांसर तो सिंगर या डांसर अगर इस कैटेगरी में टू डे के कैटेगरी में सिंगर एंड डांसर मिला के अगर नाइन है तो चार तो उसमें से पक्का यही कैरी फॉरवर्ड हो रहा है डेफिनेटली तो बचे क्या चार अगर सिंगर है गाइस ठीक है ये क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है फिर ये क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है बता दो आप ये अगर नाइन है ये टू के मल्टीपल में है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है डेफिनेटली एक तो ये चार सिंगर है ना चार सिंगर तो डांसर पांच हो जाएंगे जो कि गलत हो रहा है हमें सिंगर से ज्यादा डांसर चाहिए सॉरी uh, डांसर से एक ज्यादा सिंगर चाहिए क्वेश्चन ने क्लियर बोला लास्ट लाइन वापिस पढ़ो लास्ट लाइन क्या बोल रहा है द नंबर नंबर ऑफ ऑफ सिंगर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग इवेंट इज वन मोर सिर्फ एक से ज्यादा है डांसर तो दोस्तों ये वाला पॉइंट अगर आप ठीक से देखो तो आपको यहां पे जो भी है टोटल में वो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है बताओ यहाँ पे अगर मैं चार कम से कम लू चार कम से कम लू सिंगर तो यार मुझे बताओ चार से ज्यादा मैं ले ही नहीं सकता तो बचे हुए मुझे क्या लेने होंगे एक तो एक गर्ल मैं यहाँ ले सकता हूँ एक चार सिंगर यहाँ पे एक सिंगर क्योंकि मेरे पास सिंगर चार से ज्यादा बॉयज है भी नहीं दोस्तों मेरे पास सिंगर अगर आप देखो तो चार से ज्यादा है ही नहीं गर्ल्स दो है तो अगर मैं अगर एक ले लू यहाँ पे तो चार और एक कितने हुए पाँच ठीक है तो डेफिनेटली यहाँ पे तो पांच यही होगी यार क्योंकि हमें यहाँ नौ का टोटल भी मैच करना है ना हमें यहाँ नौ का टोटल भी तो मैच करना है तो नौ का टोटल अगर मैच करना है और अगर मैं चार ही बॉयज को सिंगर मान लू क्योंकि सारे सिंगर को मैंने ले लिया है सिंगर अब मेरे पास बॉयज में एक भी नहीं बचा जो थ्री डे इवेंट के लिए इंटरेस्टेड है वो बाइडिफॉल टू डे के लिए तो नीचे कैरी फॉरवर्ड हुए तो अगर मैं मान लू कि ये चार है और ये टोटल यहाँ पे डांसर और सिंगर मिला के नाइन है जो थोड़ी देर पहले हमने निकाला था तो गाइज अगर ये फोर है तो डेफिनेटली यहाँ फाइव आएगा ठीक है अगर मैं यहाँ गर्ल्स एक लू गर्ल्स को एक लू तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें टू के मल्टीपल में चाहिए ना बचा हुआ क्या होगा डांसर तो डांसर तो ज्यादा आ रहा है यार टू इवेंट में डांसर सिंगर देखो कितना हुआ यहाँ एक पांच ही हुआ और डांसर कितने हुए पांच तो यही आ गए और यहाँ भी कुछ ना कुछ आएगा क्योंकि टू के मल्टीपल में देना है इंटीजर में ही होना चाहिए तो गाइज डेफिनेटली ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम चार ही सिंगर ले सॉरी यहाँ पे एक ही सिंगर uh, ले गर्ल में वॉइस में सिंगर तो चार के ऊपर ले नहीं सकते तो गाइज क्या हम गर्ल में सिंगर ले सकते हैं दो गर्ल में हमने एक पॉसिबिलिटी क्या देखी कि एक सिंगर शायद टू डे के लिए इंटरेस्टेड हो और कोई एक सिंगर आगे इंटरेस्टेड हो लेकिन उससे क्या हो रहा है हमारा सिंगर कम हो रहा है चार और एक पांच और डांसर ज्यादा हो रहे हैं क्योंकि पांच तो यही हो गए नौ का हिसाब मिलाने के लिए और यहां भी कुछ ना कुछ होगा टू आई के मल्टीपल में आने के लिए तो गाइज ये पॉसिबिलिटी नहीं है तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे अब इतना तो फिक्स है कि हमारे पास सारे के सारे जो भी सिंगर थे वो कैरी फॉरवर्ड हो गए हैं बचे हुए सारे कौन है डांसर है बचे हुए सारे डांसर है नौ का हिसाब हुआ अब मैं यहाँ दो ले लेता हूं अब मुझे बताओ गाइस चार और दो सिंगर अगर हो रहे डांसर कितने पांच और यहाँ अगर मैं जीरो दे दू तो चलेगा क्योंकि देखो दो के मल्टीपल में हो गया दो के मल्टीपल में हो गया क्योंकि अगर मैं यहां पे और दो देता तो डांसर बढ़ जाते थे चार और दो छह सिंगर और पांच तो यहां डांसर फिक्स है क्योंकि नौ का हिसाब करना है लेकिन दो डांसर अगर मैं यहां दे देता तो सात और तो डांसर ज्यादा हो रहे सिंगर से विच इज नॉट द केस केस एक्चुअल में क्या है सिंगर ज्यादा चाहिए मैं बार बार दिखा रहा हूँ वो भी एक से देन डांसर और गाइज और इसीलिए हमें यही पे लास्ट केस रोकनी होगी कि यहाँ पे अगर मैं चार सिंगर ले लू और दोनों के दोनों गर्ल सिंगर यहाँ ले लू तो चार और दो सिंगर डांसर पांच तो यहाँ थे यहाँ जीरो ले लो क्योंकि दो के मल्टीपल में भी आ गए उसने क्या कहा था कि जितना भी टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स है जो टू डे इवेंट के लिए इंटरेस्टेड है उसका फोर्टी परसेंट यानी कि टू आर सिंगर और डांसर तो टू व्हाट सिंगर है दो डांसर है दो जीरो टू प्लस जीरो टू यानी वाई कितना मिला गाइस वन और अगर वाई वन मिला गाइस तो ये भी सॉल्व हो गया फाइव इन टू वन फाइव हो जाएगा Why, अगर हमें वन मिल गया है तो ये हो गया फाइव और डेफिनेटली अगर ये फिफ्टीन आया है तो यहाँ पक्का टेन होगा क्योंकि ये एडिशन जो मैं आपको समझा रहा हूँ क्वेश्चन ने बोला है ऑल द गर्ल्स आर इंटरेस्टेड फॉर वन डे इवेंट एंड जीरो इव... पहली लाइन है ना कि सारी की सारी गर्ल्स ये वन डे इवेंट के लिए इंटरेस्टेड यानी एक भी लड़की ऐसी नहीं है जो इवेंट के लिए इंटरेस्टेड नहीं है अगर आपको याद दिला दू पहली ही लाइन है ऑल द गर्ल्स आर इंटरेस्टेड फॉर वन डे इवेंट यानी नो इवेंट के लिए इंटरेस्टेड एक भी गल नहीं है मैच हो गया यार देखो फाइव प्लस टेन फिफ्टीन फिफ्टीन प्लस जीरो फिफ्टीन अच्छा यार टोटल आएगा टोटल आएगा हाँ इंडिविजुअल हमने ले लिया अब टोटल चलो ठीक है हो गया गाइज अब इतनी चीज़ें हमारे पास क्लियर है बाकी की चीज़ें जरूरत नहीं है ये टू जीरो अब यहाँ पे देख लो डांसर तो भाई फोर सिंगर तो फोर 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 हो चुका है अब इन चालीस में अब डांसर देखो यहाँ पे फाइव है यहाँ जीरो है अभी भी डांसर हमारे पास कितने बच्चे हैं सिंगर का हिसाब हो जगह हो चुका है फोर बॉयज टू गर्ल्स यानी सिंगर आ चुके हैं टू डे इवेंट तक जो तो आगे भी कैरी फॉरवर्ड होंगे है ना ये क्योंकि आगे कैरी फॉरवर्ड होते जाते हैं लेकिन डांसर बढ़ते जाएंगे डांसर हमें टोटल कितना हिसाब मैच करना है दस लेकिन डांसर फाइव मैं आपको समझ रहा है मैं ब्रैकेट में जो पहले लिख रहा हूँ वो सिंगर है और बाद में जो लिख रहा हूँ वो डांसर है तो ये फोर सिंगर फाइव डांसर टू सिंगर जीरो डांसर तो फोर एंड टू सिक्स फाइव एंड जीरो बराबर सिंगर क्या हुआ एक से ज्यादा हुआ एंड डांसर नाउ अब सिंगर का तो छः का ऐसा बन गया चार दो अब यहाँ पे पाँच या उससे ज्यादा भी आ सकते हैं यहाँ डेफिनेटली जो डांसर है वो यहाँ भी आ सकती है गर्ल्स गर्ल्स डांसर में अभी भी हमें कितने देना है चार बॉयज में एक देना है क्योंकि पाँच ही आए हैं और हमारे पास डांसर बॉयज में कितने छह तो वो एक यहाँ भी आ सकता है वो एक नॉन में भी हो सकता है ऐसा भी कोई डांसर हो सकता है जो कोई भी इवेंट में इंटरेस्टेड नहीं है गर्ल्स में तो डेफिनेटली जो आएगी वो सब यहाँ आएगी क्योंकि यहाँ तो एक भी नहीं है ना यहाँ तो जीरो है तो डेफिनेटली ये जो चारों की चारों यहाँ आ जाएगी चारों डांसर कहा जाएगी यहाँ क्योंकि यहाँ जीरो है यहाँ जीरो है डेफिनेटली तो यहां तक तो जीरो थी अब आगे जो दस ऐड हुई है उसमें से पक्का चार डांसर है डांसर बस अब बॉयज का खेल बचा है गाइज अगर आप ठीक से देख लो तो बॉयज में अब यहां पे चार गर्ल्स आ चुकी है डांसर यहां पे पांच हो सकते हैं या छह हो सकते हैं यहां पर भी पांच हो सकते हैं या छह हो सकते डांसर की बात कर रहा हूं मैं सिंगर तो फोर फिक्स है ठीक है तो गाइज अब इसको अनसोल्व ही रखो अब सीधा क्वेश्चन पे आओ क्योंकि ये डेटा ऐसा है जो हम सॉल्व कर ही नहीं सकते हमें डेटा इतना ही दिया गया है तो अब सीधा क्या करो अब क्वेश्चन पे आ जाओ गाइस क्वेश्चन पे आ जाओ तो पहला क्वेश्चन हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द क्लास अब बॉयज कितने ये तो हमारा पहले ही इसमें आ गया था फिफ्टी बॉयज कितने तो हमें समझ ही गया था फिफ्टी है ना क्योंकि हमारा वन पॉइंट एट एक्स नाइन आया एक्स कितना आया था फाइव तो बॉयज हमने टेन एक्स लिया था टेन इंटू फाइव फिफ्टी इज द आंसर तो बहुत बढ़िया ये टीटा बेस्ड क्वेश्चन था फिफ्टी इज द आंसर शानदार नेक्स्ट दिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन क्या चीज है जो हम निकाल सकते हैं देख लो जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसमें से इन दोनों में से क्या निकलेगा द नंबर ऑफ बॉयज हु आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग अ वन डे इवेंट एंड आर नीदर डांसर नॉर सिंगर वन डे इवेंट में जो बॉयज है उसमें से जो सिंगर भी नहीं डांसर भी नहीं वो कितने पूछा है क्या हम वो निकाल सकते गाइज वन डे इवेंट में वन डे इवेंट में जो बॉयज है यानी फोर्टी उसमें से सिंगर कितना डांसर कितना हम निकाल सकते नहीं निकाल सकते क्योंकि इतना तो पता है कि इन चालीस में चार सिंगर है लेकिन डांसर कितना है वो नहीं मालूम डांसर जैसे मैंने कहा फाइव भी हो सकता है या सिक्स भी हो सकते हैं हमारे पास टोटल बॉयज सिक्स डांसर है बट वो एक जो डांसर है वो यहाँ ऐड होने वाला है या अगली कैटेगरी में यहाँ भी तो दस बच्चे ऐसे हैं ना जो इंटरेस्टेड ही नहीं हो शायद उसमें से हो वो बच्चा वो हमें फिक्स नहीं पता और जो कि हमें यहाँ डांसर कितना है वो नहीं मालूम तो हम बता ही नहीं सकते कि इन चालीस में नॉन डांसर कितने अगर हमें पता चल जाता कि फाइव ही डांसर है तो चार और पांच नौ सिंगर एंड डांसर हो गए तो चालीस में से नौ हो गए थर्टी वन या नॉन सिंगर नॉन डांसर हो अगर मान लो ये सिक्स आ जाता जा उससे ज्यादा तो चांस ही नहीं क्योंकि डांसर सिक्स ही है ठीक है तो अगर ये सिक्स हो जाता तो फोर एंड सिक्स 10, तो बचे हुए नॉन नॉन बट जो डेटा दिया है उससे ये नहीं है वही बात हम कर रहे थे ठीक है तो पहली चीज तो हम निकाल नहीं सकते दूसरी में वो, वो कौन सी डांसर है कितनी डांसर्स है फीमेल डांसर जो इंटरेस्टेड है तो ये इवेंट ये फीमेल डांसर कितनी डांसर इंटरेस्टेड है फोर क्योंकि यहाँ कितनी डांसर इंटरेस्टेड थी जीरो

और यहाँ आया मतलब यहाँ फाइव ही होगा क्योंकि इन दोनों की एडिशन यहाँ आई है अब इन दोनों की एडिशन है, 15 तो हमें पता था ना क्वेश्चन बोला था ऑल गर्ल्स आर इंटरेस्टेड टोटल गर्ल्स है वन डे इवेंट में और वो सारी की सारी इंटरेस्टेड है वन डे इवेंट में तो भाई यहाँ पे जो दस ऐड हो रही है उसमें चार डांसर आएगी आएगी क्योंकि आगे कुछ भी एडिशन नहीं है गर्ल्स की तो ठीक है तो ये तो हम आराम से डिटरमाइन कर पा रहे हैं कि नंबर ऑफ फीमेल डांसर वो आर इंटरेस्टेड इन वन डे इवेंट वो क्या है वो है फोर कैन बी इजीली डिटरमाइंड ओनली टू इसका टू डे इवेंट के लिए पूरे क्लास का कितना फ्रैक्शन इंटरेस्टेड है तो so, गाइज पूरे क्लास में कितने बच्चे देख लो आपने देखा फिफ्टी बॉयज है एंड फिफ्टीन गर्ल्स है टोटल है हमेशा अगर हमें फ्रैक्शन निकालना है तो हम क्या करेंगे

वॉट बेस्ट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द नंबर ऑफ मेल डांसर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग वन डे इवेंट मेल डांसर का तो पंगा है ना मेल डांसर ही तो नहीं समझ रहा हमें फीमेल डांसर तो समझ गया वन डे इवेंट के लिए चार फीमेल डांसर इंटरेस्टेड है बट मेल डांसर जो है सिंगर तो फिक्स है फोर लेकिन डांसर एक तो पांच भी हो सकते या सिक्स भी हो सकते तो क्या बेस्ट हम बता सकते हैं उसके बारे में क्वेश्चन हमें पूछ रहा है तो वॉट बेस्ट कैन बी कंक्लूडेड फाइव और सिक्स ज द लास्ट क्वेश्चन हाउ मनी फीमेल डांसर आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग टू डे इवेंट जीरो के लिए जीरो फीमेल डांसर इंटरेस्टेड है यह रहा टू डे इवेंट और यहाँ पे डांसर की बात हो रही है पहला मैंने कहा है पहला क्या है सिंगर दूसरा डांसर यहाँ पे जीरो आया था ना यस जीरो इज द आंसर गाइ तो ये था ये आपका लास्ट क्वेश्चन जो पूरी तरह आपको अब कन्विंस्ड हो चुका है दैट सिट दोस्तों दैट सिट ये था आपका स्लॉट वन डी आई एल आर एक्सप्लेन किया इसलिए इतना लंबा गया है सर आपने इतना बड़ा तो स्लॉट वन इतना टाइम लिया तो हमको कितना लगेगा भाई मैं आपको एक्सप्लेन करते जा रहा हूं और मैं ये थॉट प्रोसेस में हूं कि आप में से कई स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो शायद कैट नहीं दिए हैं या एकदम हड़बड़ी में दिए बेसिक क्लियर ना करते हुए तो उनको भी समझे इसलिए मैं इतना बेसिक से बता रहा हूं जो लोगों ने कैट दिया थ्री तो तो मतलब भी अटेम्प्ट कर रहे हैं जो फाउंडेशन से हमारे साथ जुड़ने वाले या जो अभी ओमेट अटेम कर रहे हैं वो भी देखो आपको भी क्लैरिटी आएगी और उसी हिसाब से सेशन को आगे बढ़ाया पसंद होगा और भी कोई आपकी कोई ख्वाइ है कोई एक्स्ट्रा तो आप बिंदास कमेंट करो कि सर इस टॉपिक पर लेके आओ उस टॉपिक पर लेके आओ हम मिलते हैं अगले स्लॉट के एनालिसिस में दे फट्टे बाय बाय गुड डे टेक केयर इन